हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मोहित सिहाग, टीम जुलोजी, सीएलसी सीकर से। आज हम लोग हमारे जो यूनिक टेस्ट सीरीज है बायोकेम, उसका 16th नंबर जो पेपर है जुलोजी का, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड फॉर नीट एग्ज़ाम, हमारे बायोकेम का 16th नंबर जो पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि का उपयोग अवांछित गर्भ निरोधन को रोकने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रायूटराइन डिवाइस आईयूडी। आईयूडी हमारा नेचुरल मेथड के अंदर नहीं आता, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा हमारे पास। सेकेंड ऑप्शन पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, बिल्कुल आवधिक समय हमारा नेचुरल मेथड है, इसलिए हम सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। थर्ड ऑप्शन ट्यूबेक्टोमी की बात करें या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें, ये भी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ये भी हमारे नेचुरल मेथड्स में नहीं आते। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सेकंड, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या फिर आवधिक समय। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। Which of the following is not according to the higher to lower in number? हमें high to lower number की तरफ check करना है हमारे options के अंदर। इनमें से कौन सा अधिक से कम की ओर नहीं है, sorry, हम उसे check करना है जो कि high to lower की ओर नहीं है। First है seminiferous tubules, vasa inferentia, epididymis। Second है mammary tubules, अगला है mammary duct, नेक्स्ट है मेमोरी एम्पुला। थर्ड ऑप्शन है सेल ऑफ जाइगोट, सेल ऑफ मोरूला, सेल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इसमें जो हमारा थर्ड ऑप्शन है सेल ऑफ जाइगोट एक सेल, सेल ऑफ मोरूला 8 to 16 सेल, सेल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ये भी बढ़ता हुआ क्रम है, यानी लगातार बढ़ रहा है, यानी ये लो टू हाई की तरफ जा रहा है। इसलिए हमारा जो थर्ड ऑप्शन है सेल ऑफ जाइगोट जो सिंगल होती है, सेल ऑफ मोरूला 8 to 16 और सेल ऑफ ब्लास्टोसिस जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल हाई टू लोअर की तरफ नहीं है, ये लो टू हाई की तरफ है, इसलिए हमारा ऑप्शन आएगा थर्ड इसके लिए। या अगर हिंदी में देखें तो युग्मनज की कोशिका, मोरूला की कोशिका, कोरक पुट्टी की कोशिका 1, 8 से 16 और उससे ज्यादा, यानी लगातार लो टू हाई जा रहा है, जबकि हमें चेक करना था कि हाई टू लो नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन आएगा थर्ड। नेक्स्ट है RCHSTI स्टैंड्स फॉर, RCH और STI की फुल फॉर्म पूछी है इसने। फर्स्ट ऑप्शन हमारा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH के लिए सही है, एंड सेमाइनल ट्रैक इन्फेक्शन रेस्पेक्टिवली, STD के लिए ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट सेकंड है रिप्रोडक्टिव एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर फर्स्ट के लिए गलत है, RCH की फुल फॉर्म ये नहीं है। थर्ड है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सही है RCH के लिए। नेक्स्ट एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन रेस्पेक्टिवली STI के लिए भी सही है, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन आएगा थर्ड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच वन नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलोंग विद अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली ओनली, ये वर्ड दे रखा है स्ट्रक्चरली ओनली, टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट नहीं है, रीजन यहां स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली दोनों वर्ड आने चाहिए थे, जबकि यहां सिर्फ एक वर्ड आया है स्ट्रक्चरली ओनली, दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट नहीं है। हिंदी में बात करें तो मादा जनन तंत्र के भाग एक जोड़ी स्तन ग्रंथियों के साथ केवल संरचनात्मक रूप से, ये जो वर्ड केवल है संरचनात्मक रूप से, ये
जो है स्टेटमेंट को गलत कर रहा है, क्योंकि यहां संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों वर्ड आने चाहिए, द स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। दैट्स वाई हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम द ओवम एंड स्पर्म आर मे बी ऑफ डोनर। बिल्कुल डोनर के हो सकते हैं, अगर स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म में फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी नहीं है या स्पर्म है ही नहीं उसके जो ओरिजिनल पेरेंट के या मेल पेरेंट के पास में, तो हम डोनर का यूज कर सकते हैं। सही है। इमोशनल रिलीजियस सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डिटेरियंट इन द एडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या फिर ART। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहैबिटेशन इन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। बिल्कुल सही है। दो वर्ष तक असुरक्षित सेवा के बावजूद गर्भधारण या बच्चे उत्पन्न ना हो पाने की स्थिति को बंधिता कहते हैं। मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहां स्ट्रक्चरली ओनली दे रखा है, यहां ना चाहिए था स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द करंट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन, ह्यूमन में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं या कहें जनन की घटनाएं हैं उसकी सही सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट दे रखा है गैमेटोजेनेसिस, बिल्कुल सही है, पहले गैमेटोजेनेसिस होगा। दूसरा है फर्टिलाइजेशन, फिर है इम्प्लांटेशन, फिर इंसेमिनेशन। गलत, फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है हमारा। सेकेंड, गैमेटोजेनेसिस, जेस्ट्रेशन, जेस्ट्रेशन यानी गर्भावधि पहले आ गई है और वीर्यसेचन बाद में हुआ है, ये भी गलत है। थर्ड, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्ट्रेशन, पार्चुरेशन। बिल्कुल सही सीक्वेंस है। सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, गैमेटोजेनेसिस, फिर फीमेल जेंटाइल पाथ में उसकी एंट्री स्पर्म की, इंसेमिनेशन, देन मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हुए यानी फर्टिलाइजेशन, देन इम्प्लांटेशन हुआ यूट्रस में, फिर जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट हुआ, जेस्टेशन पीरियड जिसे हम कह सकते हैं, और लास्ट में पार्चुरेशन के थ्रू जो बेबी का बर्थ है वो होता है। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, ये बिल्कुल सही सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल इज, सर्टोली सेल का काम पूछा गया हमें यहां पे, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द इंटरस्टेशियल सेल, नहीं वो जर्म सेल होना चाहिए था, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। सेकंड, सिक्रेशन सम फैक्टर्स अंडर द रिस्पॉन्स ऑफ FSH विल विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। जो स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोवा का बनना, उसके लिए ये कुछ फैक्टर्स का क्या करती है, सिक्रेशन। सही है ये बात। सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, ये काम सर्टोली सेल का नहीं है, सर्टोली सेल का काम, ये काम जो है ये काम है इंटरस्टेशियल सेल या लैंडिंग सेल्स का। थर्ड गलत, सेल्स फ्रॉम द ब्लड ब्रेन बैरियर, बिल्कुल नहीं है, ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन नहीं करती, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा 6। सिक्रेशन सम फैक्टर अंडर द रेस्पॉन्स ऑफ FSH विच हेल्प इन द स्पर्मियोजेनेसिस। FSH के प्रभाव में कुछ घटकों का स्त्राव करती है जो शुक्र जनन में सहायता करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस तभी हो पाएगी जब वहां सर्टोली सेल्स जो हैं वो फैक्टर्स देंगी ताकि स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोवा के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारा आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सेचुएटरी बैन ऑन द एमिनोसेंटेसिस इन इंडिया वाज नेसेसरी बिकॉज, एमिनोसेंटेसिस की वैधानिक प्रतिबंध क्यों आवश्यक है भारत में? इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ऐसी कोई खास बात एक्सपेंस के ऊपर देखा जाए तो नहीं कह सकते हम कि इसलिए इसे बैन कर रखा है या इसके लिए इसको सेचुएटरी बैन हमने प्रतिबंधित कर रखा हो। इट इज एन इन
वैसिव प्रोसीजर ये आक्रामक प्रक्रिया है, ये भी नहीं कह सकते। इट कैरी हाई रिस्क ऑफ अबॉर्शन, ये अबॉर्शन के जो है वो चांस रखती है, या अबॉर्शन हो सकता है। इट कैन यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, सबसे मेन रीजन इंडिया में यही है कि यहां फीमेल फर्टिसाइड्स यानी मादा भ्रूण की हत्या के लिए इसे मेनली यूज किया जाता है, जो इसका यूज नहीं है इसके लिए, ये इसका क्या है, मिसयूज, यानी ये प्रोसीजर नहीं था कि हम एमनोसेंटेसिस इसीलिए करें। एमनोसेंटेसिस इसलिए किया जाता है ताकि क्रोमोसोम से रिलेटेड कोई एबनॉर्मलिटी है, क्रोमोसोम के नंबर से रिगार्डिंग या क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, तो हम एमनोसेंटेसिस के थ्रू पता कर सकते हैं कि बच्चा जो एम्ब्रियो स्टेज के अंदर है उसमें किसी टाइप की जेनेटिकल डिसऑर्डर रिगार्डिंग क्रोमोसोमल नंबर और क्रोमोसोमल शेप तो नहीं है, इसलिए एमनोसेंटेसिस ये इसका यूज है, किया जाता है। लेकिन इंडिया में इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है, और मिसयूज क्या है कि यहां मादा कन्या भ्रूण हत्या के लिए इसे यूज किया जाता है, इसलिए इसे वैधानिक प्रतिबंध के साथ में लागू किया गया था, या वैधानिक प्रतिबंध इसके लिए है, आवश्यक है। आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ सेवंथ क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड सैक्रोटम, दिस इज नेसेसरी इज, सैक्रोटम में टेस्टिस क्यों मिलते हैं या वहां प्रेजेंट क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या है। सैक्रोटम कैन कंटेन लेंथी डक्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म, ऐसा कोई खास बात नहीं है कि उसको लेंथी डक्ट है जो कि स्पर्म के ट्रांसफर के लिए हमें जरूरी होता है। इसका मेन रीजन जो है वो ये है कि सैक्रोटम का जो टेम्परेचर है वो बिलो होता है बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 degree, जो कि नेसेसरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, तो फर्स्ट नहीं आएगा। सेकंड, सैक्रोटम रिड्यूस द प्रेशर ओवर द टेस्टिस, ऐसा भी कोई खास नहीं है कि वो प्रेशर को रिड्यूस कर रहा हो। थर्ड, सैक्रोटम हेल्प इन मेंटेन लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 2.5 degree, विच इज नेसेसरी फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन, वृषण वृषण कोश के तापमान को कम रखता है शुक्राणु उत्पादन के लिए, क्या है, आवश्यक। बिल्कुल सही है, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा थर्ड, कि अगर 2 to 2.5 degree कम नहीं होगा टेम्परेचर बॉडी से तो वहां टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकता, दैट्स वाई वो एब्डोमिन से आगे नीचे डिसेंड होते हैं सैक्रोटम के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लोकेशन ऑफ सर्टोली सेल एंड स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया दोनों कहां है, उनकी लोकेशन के बारे में पता करना है। सर्टोली सेल इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड स्पर्मेटोगोनिया इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, गलत, क्योंकि दोनों के दोनों ही कहां मिलेंगे, हमें इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सर्टोली सेल इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड स्पर्मेटोगोनिया इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये भी नहीं है। बोथ सर्टोली सेल्स एंड स्पर्मेटोगोनिया आर लोकेटेड बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बिटवीन नहीं, अंदर होते हैं, इसलिए ये भी सही नहीं है। Both Sertoli cells and spermatogonia are located within seminiferous tubule. दोनों के दोनों इस Sertoli cells शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर उपस्थित होते हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, the final release of sperm from the seminiferous tubules is known as spermiation. Spermiation वो process है जिस process के through जो sperms हैं वो release होते हैं seminiferous tubule से। तो question number 10 का answer आ जाएगा first, spermiation. Next question number 11 पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग डिजीज, कौन कौन सी है,
पहली है गोनेरिया, सिफेलिस, जेंटल आरपिस, ट्राइकोमोनेसिस, हेपेटाइटिस, एड्स, ठीक है, सारी की सारी हमारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। आउट ऑफ दीज हाउ मेनी बैक्टीरियल डिजीज आर, इनमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग गोनेरिया से। निसेरिया गोनेरिया हमारा एक बैक्टीरिया है जो कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव बैक्टीरिया है इस डिजीज के लिए, गोनेरिया होगा हमारा। ट्रिपोनिमा बैक्टीरिया है जो प्रोड्यूस करता है क्या, सिफेलिस, सिफेलिस के लिए सही है। जेंटल वार्ट्स गलत, ये वायरल डिजीज है। ट्राइकोमोनेसिस ये भी आपका बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। हेपेटाइटिस बी ये आपका वायरल डिजीज है, हेपेटाइटिस बी वायरस इसको प्रोड्यूस करता है। एड्स HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसको प्रोड्यूस करता है। तो सिर्फ गोनेरिया और सिफेलिस ही हमारी बैक्टीरियल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं या डिजीज है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा थर्ड सेकेंड। तो टोटल इस क्वेश्चन में दो ही है ऐसी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन डिजीजेस जो कि बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होती हैं, फर्स्ट गोनेरिया, सेकंड सिफेलिस। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेल्स डू नॉट अंडरगो इन माइटोसिस, उन सेल्स के ग्रुप को बताओ जो माइटोसिस नहीं करती हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, न्यूरॉन्स और RBC। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करता है आपका, न्यूरॉन्स और RBC में सेल डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करेगा, नॉट माइटोसिस। न्यूरॉन RBC सेल डिवीजन कर नहीं सकती, इसलिए 12th क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। सेकंड पढ़ते हैं। स्पर्मेटोजोवा, ग्लोमेरुलोसा सेल्स एंड स्पर्मेटोगोनिया सबके सब माइटोसिस कर सकते हैं। जाइगोट एपिथेलियल स्पर्म, ठीक। न्यूरोसाइट्स, प्राइमरी ओसाइट, एंडोमेट्रियल सेल्स। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारे 12th क्वेश्चन का, इनमें तीनों सेल्स ऐसी हैं जो कि माइटोसिस नहीं कर सकती, डू नॉट अंडरगो इन माइटोसिस। तो 12th नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप इन विच फेज, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो कार्पस लूटियम बना रहेगा, और कार्पस लूटियम अगर बना रहता है इसका मतलब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, स्टॉप टिल प्रेगनेंसी पीरियड। ऐसा कब होगा, जहां कार्पस लूटियम बना है उसी फेज में होगा। कार्पस लूटियम जिस फेज में बनता है उस फेज को हम बोलते हैं लूटियल फेज। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फोर्थ कि लूटियल फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा अगर प्रेगनेंसी होती है तो, क्योंकि कार्पस लूटियम बना रहेगा और कार्पस लूटियम बना रहा एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। तो 13 क्वेश्चन का आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ, चक्रीय आर्तव किसका सूचक है। रिप्रोडक्टिव फेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड मेनार्क, बचपन और रजोदर्शन के बीच बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस टाइम पर चाइल्डहुड के अंदर FSH LH दोनों प्रेजेंट नहीं होते। रिप्रोडक्टिव फेज बिटवीन मीनोपोज एंड ओल्ड एज, मीनोपोज के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो गया था, बंद हो गया था, इसलिए मीनोपोज और ओल्ड एज भी नहीं आ सकता, सेकेंड ऑप्शन भी नहीं आएगा। एडोलेसेंट फेज बिटवीन बर्थ एंड दी मीनोपोज, बर्थ से लेकर किशोरावस्था वे जन्म के बीच रजोनिवृत्ति। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव फेज बिटवीन मेनार्क एंड मीनोपोज, बिल्कुल सही है, मेनार्क फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, मेनोपोज मेंस्ट्रुअल साइकिल का 45 या 50 ईयर की एज के अंदर बंद हो जाना। इन दोनों के बीच जो टाइम पीरियड है, यानी प्यूबर्टी पीरियड में मेनार्क स्टार्ट हुआ, 45-50 ईयर की एज के अंदर मेनोपोज, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो गया, बंद। तो इन दोनों के बीच जो टाइम पीरियड है
वो हमारा क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन इंडिकेटर या साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इंडिकेटर। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कंसिडर द फॉलोइंग डिजीज लाइक, ठीक है, डिजीज दैट आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली इन ट्रीटमेंट प्रॉपरली। हेपेटाइटिस बी क्योरेबल नहीं है चाहे इसे डिटेक्ट कर लिया जाए अर्लियर तो भी। ट्राइगोमोनेसिस क्योरेबल है, गोनेरिया क्योरेबल है, सिफेलिस क्योरेबल, इसका उपचार संभव है, एड्स का भी ट्रीटमेंट उपचार संभव नहीं है, ये भी क्योरेबल नहीं है, एंड जेंटल हार्पिस इसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, यानी इसे भी अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाता है तो भी ये नॉन क्योरेबल डिजीज में आती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन में ट्राइकोमोनासिस फर्स्ट गलत, एड्स गोनोरिया गलत, गोनोरिया सिफेलिस गलत, हेपेटाइटिस एंड जेंटल हार्पिस। तो फोर्थ वाला है हेपेटाइटिस बी और जेंटल हार्पिस इसके अंदर दे रखा है। तो 15 क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है, फॉलोइंग डिजीज क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्लियर, सॉरी ये पूछ रहा है कि क्योरेबल कौन सी है, क्योरेबल को पूछ रहा है ये। तो क्योरेबल के अंदर गोनेरिया और सिफेलिस हमारी क्या है, क्योरेबल, हेपेटाइटिस बी, जेंटल हार्पिस और एड्स क्योरेबल नहीं है, ठीक। तो इसका आंसर आएगा गोनेरिया और सिफेलिस, क्यों, क्योंकि दोनों की दोनों अर्ली स्टेज में क्या है, क्योरेबल है। ट्राइगोमोनासिस क्योरेबल है लेकिन हेपेटाइटिस बी क्योरेबल नहीं है, जैसे कि हमने टिक कर रखा है इसके अंदर कि हेपेटाइटिस बी, हार्पिस और एड्स क्योरेबल नहीं है, इनको छोड़कर ये तीनों क्योरेबल थी, एड्स ऑप्शन में आ गया इसलिए हम नहीं लेंगे। थर्ड ऑप्शन हम लेंगे कि गोनेरिया और सिफेलिस दोनों के दोनों अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होती हैं तो इसे हम क्योर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द टर्शरी फॉलिकल कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम सेकेंडरी फॉलिकल बाय द प्रेजेंस ऑफ एंट्रम। वो कैविटी जो कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होती है नोन एज ए एंट्रम, वो सिर्फ टर्शरी फॉलिकल में थी, सेकेंडरी फॉलिकल में नहीं थी, तो हम कह सकते हैं कि एंट्रम की प्रेजेंस की वजह से हमने उसे अलग किया है। आंसर आएगा 16 का फोर्थ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। लैंडिंग सेल्स के बारे में पूछा है, आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड सीक्रेट एंड्रोजन। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर नहीं बल्कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, यहां प्रेजेंट होती है, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में। आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आर प्रेजेंट बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बिल्कुल सही है, एंड सीक्रेट एंड्रोजन, मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन को ही एंड्रोजन बोला जाता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ जाएगा थर्ड, ये प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, इस जगह पर, इस जगह को बोलते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस, इसलिए लैंडिंग सेल्स का दूसरा नाम है इंटरस्टेशियल सेल्स। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपिंग ओवम फाउंड इन द मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ में बाहर निकल रहा है फीमेल गैमेट, तो किस स्टेज के अंदर होगा, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, प्राइमरी ओसाइट या फिर सेकेंडरी ओसाइट। हमारा आंसर आ जाएगा क्या, सेकेंडरी ओसाइट, जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ में क्या निकल गया, बाहर। तो 18 का आंसर फोर्थ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट फर्टिलाइजेशन। गर्भ निरोधक की शल्यक्रिय विधियां युग्मकीय निषेचन को रोकती हैं, बिल्कुल रोकती हैं साहब, उसे युग्मक का ट्रांसफर रुक जाएगा। सम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल, बिल्कुल कुछ क्योरेबल होती हैं, जो बताया था मैंने अभी, हेपेटाइटिस बी, एड्स और जेंटल वार्ट्स को छोड़ दो तो बाकी सारी लगभग क्या है, क्योरेबल है। इन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी गैमेट्स आर ऑलवेज ट्रांसफर इनटू यूट्रस। इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर के अंदर अगर हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो यूट्रस के अंदर जाए हमेशा, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
हम उसे फेलोपियन ट्यूब में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ZIFT, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, हमारे पास एक मेथड था, अवेलेबल है, इसलिए थर्ड पूरी तरह करेक्ट नहीं है। सहली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, नहीं आना चाहिए था, इट्स ए नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। तो हमारा थर्ड, सॉरी फोर्थ गलत है, थर्ड गलत है, ए और बी दोनों क्या है सही? ऑप्शन के अंदर हमारे दे रखा है फर्स्ट, ए एंड बी, तो हम 19 में ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर टेक प्लेस, स्पर्मेटोजोआ और जाइगोट इन IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में बात कर रहा है, कौन सा अंतःगर्भाशय स्थानांतरण होता है? ठीक है, अर्ली एम्ब्रियो इन IVF एंड SUZI, एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इन IVF एंड ET एंड सीमन इन IUI, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर ET, नेक्स्ट स्पर्म इन ICSI एंड जाइगोट इन ZIFT। तो इसमें इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर के बारे में बात कर रहा है, तो एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हम ट्रांसफर करते हैं एंड ET ठीक है, सीमन हम उसमें इंसेमिनेट कराते हैं यूट्रस में, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर को यूट्रस में यूट्राइन ट्रांसफर दे रखा है, कर सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर कई मेथड है आपका, और सीमन को हम डायरेक्टली इंसेमिनेट करा सकते हैं, किसमें? यूट्रस में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द इजेकुलेटरी डक्ट फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ, इजेकुलेटरी डक्ट किसके यूनियन से बनती है? ये बनती है हमारी सेमाइनल वेसिकल, और इसमें ऑप्शन दे रखा है, वसा डिफरेंशिया और एपिडिडाइमिस, नहीं सेमाइनल वेसिकल एपिडिडाइमिस नहीं, फर्स्ट दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। नेक्स्ट है वसा डिफरेंशिया डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल, बिल्कुल सही है, इधर से आती थी आपकी वसा डिफरेंशिया, यहां था सेमाइनल वेसिकल और ये थी इसकी डक्ट, दोनों जब यूनियन कर लेती हैं तब इसे बोला जाता है इजेकुलेटरी डक्ट। तो इजेकुलेटरी डक्ट एज सच ये थी, किससे बनी? कि वसा डिफरेंशिया आई, साथ में जो डक्ट थी सेमाइनल वेसिकल की वो आई, तो हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड, 21st क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22, डायग्राम दे रखा है और पूछ रखा है ABC, ABC के बारे में पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि वसा डिफरेंशिया कौन सी है, ये रही। नेक्स्ट सेमाइनल वेसिकल कहाँ है, ये रहा सेमाइनल वेसिकल। नेक्स्ट पूछा है कि बल्बोयुथ्रल कहाँ है, ये रही, तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, B, A और C, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, इन एडल्ट ह्यूमन ईच टेस्टिस इज स्फेरिकल इन शेप विद द लेंथ और 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्फेरिकल इन शेप, लेंथ ऑफ 2 to 3, 4 to 5, ओवल शेप, पहले दोनों के अंदर जो गलत है वो क्या है, स्फेरिकल शेप, ये नहीं होती है टेस्टिस की, इसलिए फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन हमारा गलत है। थर्ड ओवल शेप, लेंथ ऑफ 2 to 3, ओवल शेप सही है लेकिन लेंथ गड़बड़ कर दी इसने, ये गलत है। 23 में फोर्थ ऑप्शन है ओवल इन शेप, बिल्कुल सही है, विद लेंथ ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट। तो आकृति में अंडाकार, लंबाई में 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 2 से 3 सेंटीमीटर, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फोर्थ।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ. मैच द फॉलोइंग एनिमल विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, मैच करते हैं. अमीबा के लिए बाइनरी फ्यूजन, पैरामीशियम के लिए भी हम बाइनरी फ्यूजन यूज कर सकते हैं, हाइड्रा के लिए हम यूज करेंगे बर्डिंग, स्पंज के लिए हम यूज करेंगे जेम्यूल्स. हमारा ऑप्शन आता है ए में थर्ड, बी में थर्ड, सी में फर्स्ट और डी में सेकेंड. यानी 24 का आंसर आ जाएगा कौन सा, फोर्थ. नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ. द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल लोकेटेड ऑन, वो कहां लोकेटेड होती हैं? ग्लूटियस मैक्सियस मसल्स के ऊपर नहीं, पेक्टोरिस मेजर मसल के ऊपर. बिल्कुल करेक्ट. एनसीईआरटी में जो मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम दे रखा है उसमें क्लियर कट मेंशन है इन मसल्स का नाम, पेक्टोरिस मेजर मसल्स. आंसर आ जाएगा सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं. इन ग्राफीन फॉलिकल द सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म्स विच लेयर अराउंड इट इटसेल्फ. कुल मिलाकर बात ये कहना चाहता है कि विच एग मेम्ब्रेन सिक्रेटेड बाय द ओवम इटसेल्फ या सेकेंडरी ओसाइट इटसेल्फ. उसका नाम था जोना पैलेसुडा, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जिसका सिक्रेशन खुद गैमेट करता है. सेकेंड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 27, कॉलम ए और बी दे रखा है और हमें मैच करना है. ट्रोफोब्लास्ट, एमेंडेड ब्लास्टोसिस्ट, नई ग्रुप ऑफ सेल, डिफरेंशिएट आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है, क्लीवेज, ग्रुप ऑफ सेल दैट वुड डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो, माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जायगोट. फोर्थ आ जाएगा. इम्प्लांटेशन, एम्बेडेड ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन एंडोमेट्रियम, इनर सेल मास, ग्रुप ऑफ सेल दैट वुड डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो. तो इसके अंदर हम चेक करें तो ए में थर्ड, बी के अंदर ए में फोर्थ, सॉरी बी में थर्ड, ए में फोर्थ और एक मिनट इसमें करेक्ट करते हैं, रुको दोबारा. ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर, अच्छा ये है थर्ड है, ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, क्लीवेज, माइटोटिक सेल डिवीजन, इम्प्लांटेशन में आ जाएगा ब्लास्टोसिस ऑफ एंडोमेट्रियम, इनर सेल मास में आएगा डिफरेंशिएट इनटू द एम्ब्रियो. तो ए में थर्ड और बी के अंदर फोर्थ, सी में फर्स्ट और डी में सेकंड. हमारा ऑप्शन आ रहा है थर्ड. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है थर्ड. क्लियर. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ. हु सिक्रेशन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एसेंशियल फॉर द मैच्यूरेशन एंड मोबिलिटी ऑफ स्पर्म. किसका स्त्राव शुक्राणु के परिपक्वन और गतिशीलता के लिए आवश्यक नहीं है? एपिडिडाइमिस, वसा डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट. बिल्कुल तीनों का जरूरी है. यूरेथ्रा का सिक्रेशन हमारे स्पर्म के मैच्यूरेशन और उसके मोबिलिटी यानी गतिशीलता में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, कोई जरूरी नहीं है. इसलिए 28 का आंसर आ जाएगा फोर्थ. नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ. द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस इज इनिशिएट ड्यूरिंग प्यूबर्टी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियो स्टेट के दौरान ही, भ्रूणीय प्रवर्धन की अवस्था में ही इसका क्या हो जाता है, आरंभन या फिर स्टार्ट. तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आएगा हमारे पास सेकंड. नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं. यूरेथ्रल मीटस किसके लिए है? एक्सटर्नल ओपनिंग है मेल के अंदर यूरेथ्रोजेंटाइल ट्रैक्ट की. हमारा ऑप्शन आ जाएगा थर्ड सीधा. यूरेथ्रल मीटस उसे ही तो बहुत बोला था जिसमें यूरेथ्रोजेंटाइल जो हमारा ट्रैक्ट है मेल का वो ओपन होता है, उस ओपनिंग का नाम था. तो
नर मूत्र जनन नलिका का बाह्य छिद्र उसे बोला जाता है मूत्राशय मुख या फिर यूरेथ्रल मीटस। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। कंसिडर द फॉलोइंग हार्मोन GnRH, HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, STH। विच हार्मोन आर सीक्रेट ड्यूरिंग ओनली प्रेगनेंसी, सिर्फ गर्भावस्था के दौरान किसका स्राव होता है। इसमें सबसे पहले आएगा आपका HCG, जो सिर्फ एम्ब्रियो स्टेज में ही आएगा। दूसरा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL 2, और तीसरा है रिलैक्सिन, जो कि प्रेगनेंसी के लास्ट में पार्चुनेशन के टाइम पर आता है। तो HCG आपका, HPL और रिलैक्सिन ऑप्शन है हमारा फोर्थ। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। इन द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस द ऑसाइट टेम्परेरी अरेस्ट एट विच फेज, वो अरेस्ट होता है मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की, डिप्लोटीन स्टेज के अंदर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इंटरफेज नहीं, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द माइटोटिक डिवीजन नहीं, मियोसिस के लिए होता है। मेटाफेज सेकेंड नहीं, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोटिक डिवीजन, अर्धसूत्रण विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। प्राइमरी फॉलिकल डिफरेंशिएट फ्रॉम प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमरी ओसाइट में अंतर बताओ। एंट्रम ग्रैनुलोसा सेल, जोना पेलासुडा या फिर जोना रेटिकुलेरिस। प्राइमरी ओसाइट जो कि मियोसिस स्टार्ट करेगा, उसके चारों तरफ अगर मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा लेयर प्रेजेंट है, जिसे हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं MG से, ग्रेनुलोसा सेल की लेयर मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा अगर है तो हम उसे प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। तो प्राइमरी फॉलिकल और ओसाइट में सिर्फ एक अंतर इस लेयर का, बनी किसे, ग्रेनुलोसा सेल से। आंसर क्या आएगा सेकंड, कणिकीय कोशिकाओं का स्तर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी फॉलिकल पर मिलता है, प्राइमरी ओसाइट पर नहीं मिलता। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आ जाएगा हमारे पास सेकंड। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। थीका इंटरना, थीका एक्सटरना, ये दोनों के दोनों मिलती हैं टर्शरी फॉलिकल या तृतीयक पुटक पर। थीका इंटरना का एक काम और भी है कि ये एस्ट्रोजन का क्या करती है, सिक्रेशन। तो थीका इंटरना एक्सटरना दोनों प्रेजेंट है टर्शरी फॉलिकल या तृतीयक पुटिका पर। क्वेश्चन नंबर 35। मेम्ब्रेन जोना पेलासुडा फॉर्म्ड बाय खुद फीमेल गैमेट, इसका सिक्रेशन करता है, और फीमेल गैमेट जो है इसमें प्राइमरी ओसाइटिक, सेकेंडरी ओसाइट, ओवम या फिर पोलर बॉडी। तो इसके अंदर हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा कौन सा, सेकेंडरी ओसाइट जो है ये खुद उस जोना पेलासुडा का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। 36। इन विच ऑफ द फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन इज नॉट इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सिंपल कहने का मतलब है भैया, यूनिसेलुलर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसने अपनी बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, यानी एक से एक टाइप का समसूत्री कोशिका विभाजन या माइटोसिस है। ये सिर्फ उनमें मिलेगा जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, तो उनमें हम कह सकते हैं कि माइटोसिस ही रिप्रोडक्शन का मोड है। ये पूछ रहा है किन में नहीं है, उनमें जो कि क्या है आपका मल्टीसेलुलर, और मल्टीसेलुलर इन तीनों में से कौन सा है, हाइड्रा। प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम तीनों फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स हैं, और तीनों क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट, हाइड्रा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। कॉलम मैच करना है,
हेड ऑफ स्पर्म इसमें होगा हेरिडिटी मेटेरियल, मिडिल पीस एनर्जी का चैम्बर क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहां पर, एक्रोसोम लाइटिक एंजाइम रखता है जो कि एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में काम आएगी, टेल स्पर्म की मोबिलिटी मैच करें, ए में फोर्थ ठीक, बी में थर्ड, सी के अंदर फर्स्ट और डी में सेकंड। हमारा जो ऑप्शन है 37 नंबर क्वेश्चन का वो आएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38, ए मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टेड ए स्पर्म इनटू ओम इनटू आर्टिफिशियल सॉरी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, इसमें आ जाएगा इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन ICSI, डायरेक्टली हम एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश करवाते हैं थ्रू इंजेक्शन। 39, चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो, इनमें से सही कथन को हमें ढूंढना है। IUDs आर जनरली इंसर्टेड बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्स, ठीक है। IUDs इंक्रीज फैगोसाइटिस रिएक्शन इन द फेलोपियन ट्यूब, गलत, वो यूट्रस में एस्टेब्लिश की जाती हैं, सेकंड गलत है हमारा। IUDs सप्रेस स्पर्मेटोजेनेसिस, गलत। IUDs वन इंसर्टेड नीड रिप्लेस ट्वाइस एट डेली, गलत। आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट द स्टेटमेंट गिवन बिलो, राइट को ढूंढना था तो 39 में आंसर आएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40, इन एडिशनल बेनिफिट यूज ऑफ कॉन्डोम, कॉन्डोम का एडिशनल बेनिफिट क्या है, अतिरिक्त लाभ क्या है, इससे हम बच सकते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जस्ट लाइक एड्स। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शन STI या एड्स से भी बचा जा सकता है बाय यूजिंग कॉन्डोम्स, तो इसका आंसर आएगा थर्ड। उपयोगकर्ता को STI और एस से बचाव करवाता है या कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग IVF ZIFT इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर प्रोसीजर के बारे में पूछ रहा है हमें। इन द स्पर्म एंड ओवम आर ऑलवेज फ्रॉम हस्बैंड एंड वाइफ रेस्पेक्टिवली, जरूरी नहीं है, डोनर भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, जाइगोट ट्रांसफर इनटू यूट्रस ZIFT की बात कर रहा है, फेलोपियन ट्यूब में चाहिए, गलत है। ओवा फ्रॉम वाइफ डोनर स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड डोनर, बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ चेक करते हैं, फोर सेल एम्ब्रियो नहीं, मोर देन 8 को यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए आंसर क्या आएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 42, द प्राइमरी ओसाइट कंप्लीटली इट्स सेल इट्स फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन इज, अपना पहला अर्धसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन कौन पूरा करता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी या ग्राफियन टर्शरी फोलिकल में ही हमें सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी मिली थी, तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आ जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 43, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मियोसाइट ऑफ द ह्यूमन 46 होना चाहिए भैया, आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट 2n सेल डिप्लॉइड सेल में 46 नंबर क्रोमोसोम जो मियोसिस के लिए जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज 2n सेल, यानी डिप्लॉइड होनी चाहिए और क्रोमोसोम नंबर 46 होना चाहिए, सेकेंडरी ओसाइट हैप्लॉइड होती है, पोलर बॉडी हैप्लॉइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बिल्कुल डिप्लॉइड होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होता है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है, क्रोमोसोम का नंबर कितना है 23, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका। क्वेश्चन नंबर 45, ए लार्ज नंबर ऑफ
Which type of follicle degenerate during the phase from the birth and puberty? जन्म से युवावस्था के बीच में बहुत से प्राइमरी फॉलिकल जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं, इन्हें फॉलिकुलर एट्रेशिया प्रोसेस को और एट्रेटिक फॉलिकल उनको बोला जाता है। इसमें कौन आएगा? आपका प्राइमरी फॉलिकल जो है वो लगातार क्या होता है, डिजनरेट होता है। बनते कई लाख हैं लेकिन बचते सिर्फ 60 to 80,000 ही हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन 45 का। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट इन लार्ज अमाउंट, ये करता है कार्पस लूटियम, और कार्पस लूटियम जिस फेज में आता है उसे बोला जाता है लूटियल फेज। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आ जाएगा थर्ड, और एक ही बार पीक अटेन करेगा प्रोजेस्टेरोन और वो भी लूटियल फेज में। कौन देगा? कार्पस लूटियम। क्वेश्चन नंबर 47, द सिग्नल फॉर द पार्चुलेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम फुली डेवलप्ड फोइटस प्लेसेंटा को पकड़कर खींचेगा, आंसर क्या जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो जो है वो प्लेसेंटा को पकड़कर क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। स्ट्रेच होने से फर्स्ट फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट होगा, जिससे कि पार्चुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, क्योंकि उससे ही ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन शुरू होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन नोन एज ए कोलोस्ट्रम, खींस बोला जाता है, इसमें रिच अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज होती है, मेनली IgA। तो 48 का आंसर आ जाएगा सेकंड। 49, कॉलम मैच करने हैं हमें। हार्ट फॉर्मेशन कब हो जाएगा? आफ्टर 1 month ऑफ द प्रेगनेंसी। डेवलपमेंट ऑफ द लिम्स, जो लिम्स है उनका डेवलपमेंट 2nd month के आसपास। फर्स्ट मूवमेंट 5th month में। आईलिड्स एंड ऑफ द 2nd trimester। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है इसका हमारा जो आंसर है वो बैठ रहा है फर्स्ट में सी, सेकंड में ए, थर्ड के अंदर बी और फोर्थ में डी, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, द प्रोबेबल रीजन फॉर द इंक्रीज द ह्यूमन पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ने का संभावित कारण क्या है भैया? रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, बिल्कुल मृत्यु दर में क्या हो रही है, गिरावट। MMR मदर मोर्टलिटी रेट में भी क्या हो रही है, कमी, सही। डिक्लाइन इन IMR इन्फ्लेंट मोर्टलिटी रेट, बिल्कुल सही, उसमें भी कमी हो रही है। इंक्रीज रिप्रोड्यूसेबल एज पीपल, बिल्कुल वो पर्सन जो कि जनन आयु वाले हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इसमें आपका आ जाएगा ABCD थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 50 में आएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है हमें। स्पर्म हेड कंटेन DNA एंड एक्रोसोम, बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस पम्प प्रोड्यूस ATP, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया होता है मिडिल पीस में, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। स्पर्म टेल फ्लैजिलम प्रोपेल्स इट अलोंग इट्स वे, बिल्कुल उसकी तरफ भेजती है। वंस इजेकुलेटेड स्पर्म आर वियबल एंड नॉर्मली आर एबल टू फर्टिलाइज सेकेंडरी ओसाइट अप टू 5 days, ये गलत है भाई, 5 days नहीं, 24 hours तक फीमेल जेंटाइल पाथ के अंदर जो है वो सर्वाइव कर पाता है वो। तो फर्स्ट ऑप्शन DNA एक्रोसोम है, माइट्रोकॉन्ड्रिया ATP बनाता है, पूंछ कशाब की अपने आगे की तरफ धकेलती है, सही है। फोर्थ गलत है, आंसर क्या आ जाएगा, ABC कहां दे रखा है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 52, एक्सट्रूजन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी फ्रॉम उसाइड अकर। फर्स्ट पोलर बॉडी कब निकलती है भैया? बिफोर ओवुलेशन ही निकलेगी, क्योंकि जब ओवुलेशन हो रहा होता है उस टाइम ग्राफीन फॉलिकल टूटती है, ग्राफीन फॉलिकल के फॉर्मेशन के टाइम ही लगभग वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है या फिर वो नहीं रहती है। आंसर क्या आ जाएगा इसका 52 का? फर्स्ट, बिफोर ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग से पहले निकलती है। क्वेश्चन नंबर 53, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मिएशन एंड इनसेमिनेशन। स्पर्मिएशन और वीर्यसेचन में अंतर बताइए। ठीक है, इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोवा आर रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल। स्पर्मिनेशन दे दिया, इसमें गलत है ये। इन स्पर्मिएशन स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द स्पर्मेटिड व्हाइल द इनसेमिनेशन स्पर्म रिलीज इनटू वजाइना। गलत। इन स्पर्मिएशन स्पर्म्स आर रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। इनसेमिनेशन स्पर्म रिलीज फ्रॉम द वजाइना। स्पर्मिएशन में शुक्राणु शुक्रजनलिका से मुक्त होता है, जबकि वीर्यसेचन में शुक्राणु योनि में मुक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 के लिए हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 सॉरी, वापस हमें कॉलम मैचिंग करनी है। द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन यूट्रस होगा, बर्थ कैनाल, वेजाइना और सर्विक्स। प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन करता है कार्पस लूटियम। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब। ए में फोर्थ, बी में थर्ड, सी में सेकंड और डी में फर्स्ट। ऑप्शन आ जाएगा हमारा फोर्थ क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। नेक्स्ट, ए में थर्ड है और बी में फोर्थ है और सी में फर्स्ट है, सी में सेकंड है और डी में फर्स्ट है। सॉरी, हमारा आंसर आएगा फर्स्ट। ए में थर्ड लिख रखा है ना हमने, ये रहा। तो 54 के लिए हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन टेस्टिस, और वो भी कहां पर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। 55 का आंसर थर्ड। विच ऑफ द करेक्ट अबाउट द टिश्यू लेयर ऑफ द यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल यूट्रस की गर्भ भित्ति के उत्तक स्तर के बारे में सही बताइए। एक्सटर्नल स्मूथ मसल पेरीमेट्रियम, मिडिल स्केलेटल मसल मायोमेट्रियम, इनर ग्लैंडुलर एंडोमेट्रियम। तो इनर वाली जो होती है वो ग्लैंडुलर होती है। फर्स्ट और सेकंड हमारा क्या है? गलत। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आ जाएगा थर्ड, कि सबसे अंतःस्तर वो क्या होता है? ग्रंथिल, और उसे क्या बोला जाता है? एंडोमेट्रियम। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसी लेयर के अंदर साइक्लिक चेंज या चक्रीय परिवर्तन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क बाय मुख्य गर्भ निरोधक कार्य करता है। इनहिबिटिंग FSH एंड LH, ब्लॉकेज ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, डिस्ट्रप्टिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म, इरिटेशन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। इसमें आंसर आ जाएगा फर्स्ट ही। ये इनहिबिट करेगा किसको? FSH और LH को, क्योंकि मेनली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर यूज किया जाता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन या फिर प्रोजेस्टेरोन को, और उसका हाई लेवल रहेगा तो नेगेटिव फीडबैक देगा किसके लिए? FSH LH के लिए। तो इनहिबिट करेगा किसको? FSH और LH को। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। द प्रोसेस इन विच स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू द स्पर्मेटोजोवा, इसे बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो 58 का आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड, स्पर्मियोजेनेसिस।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ. डायफ्रोम आर द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज बाय फीमेल, मादा में डायफ्रोम गर्भ निरोधक युक्ति है. सही विकल्प का चुनाव करो. दे आर इंट्रोड्यूस इन टू द यूट्रस, यूट्रस में नहीं लगाई जाती, गलत है फर्स्ट वाला. दे आर प्लेस्ड इन टू कवर द सर्विकल रीजन, बिल्कुल सही है सेकेंड वाला, ये ग्रीवा क्षेत्र को ढकने के काम में आया करती है. नेक्स्ट है दे एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्म एंट्री, बिल्कुल स्पर्म की एंट्री का भौतिक रोध है, उसे अंदर एंटर करने से रोकती है. दे एक्ट एज ए स्पर्मिटिसिडल एजेंट, नहीं, मारने वाला, शुक्राणु को मारने वाला कारक नहीं है ये. तो हमारे पास बी और सी सही है, आंसर आ जाएगा फर्स्ट 59 का. क्वेश्चन नंबर 60. ए टर्मिनल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव इन द फीमेल इज, एक स्थायी विधि, परमानेंट मेथड की बात कर रहा है ये, कौन सा है, इंट्रायूट्राइन या फिर ट्यूबेक्टोमी. फेलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाए, कट एंड टाइड द फेलोपियन ट्यूब, ट्यूबेक्टोमी परमानेंट मेथड है, आंसर आएगा फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 61. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लाइंड ट्यूब इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ब्लाइंड ट्यूब का मतलब होता है जिसकी ओपनिंग सिंगल हो, सिंगल ओपनिंग वाली ट्यूब को हम बोलेंगे ब्लाइंड ट्यूब. सिंगल ओपनिंग किसकी है, फेलोपियन ट्यूब की नहीं, दो है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, ये ब्लाइंड ट्यूब है. वसा डिफरेंशिया नहीं है, एजैकुलेटरी डक्ट नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा 61 का, सेकंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि इसके पास सिंगल ओपनिंग थी. ये ब्लाइंड शेक कैविटी है या ब्लाइंड शेक ट्यूब है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं. विच ऑफ द करेक्ट अबाउट थ्री लेयर्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तीन जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, आउटर मोस्ट एक्टो, मीजो मिडिल होती है, इनर होती है एंडो. द इनिशियल एक्टोडर्म मीजोडर्म फॉर्म एंड एंडोडर्म आर अपीयर सून बिटवीन, नहीं गलत, ये कह रहा है कि पहले एक्टो आई मीजो आई उसके बीच में एंडो आई, गलत है. इनिशियली मीजो एंडो, गलत सेकेंड भी. इनिशियली एंडो मीजो फॉर्म्ड एक्टो, नहीं, इनिशियली एक्टो एंडो फॉर्म्ड, बिल्कुल पहले एक्टो फिर एंडो, मिजोडम सून अपीयर बिटवीन देम, बिल्कुल मिजोडम उन दोनों के बीच में अपीयर होती है, बीच में उनका फॉर्मेशन होता है. तो एक्टो एंडो पहले बनी, बीच में कौन सी आई, मिजो, आंसर क्या जाएगा फोर्थ. इनिशियली आरंभ में बाह्य त्वचा मध्य जनन स्तर के बीच में प्रकट होता है, बाह्य और अंतः के बीच, एक्टो और एंडो के बीच में आता है मिजो, फोर्थ ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 63. आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अंतरोपण के बाद अंगुली के समान जो प्रपत निकलते हैं, ठीक है, इनर सेलमास नहीं, ट्रोफोब्लास्ट, और उन्हें बोलते हैं कैरोनिक विलाई, फर्स्ट सॉरी नहीं सेकंड ऑप्शन, पोस्ट कोरक के ऊपर कैरोनिक विलाई का बनना, यही होती हैं जो इम्प्लांटेशन के टाइम पर फिंगर लाइक प्रोसेस का क्या होता है, फॉर्मेशन. 63 का आंसर आ जाएगा सेकंड. क्वेश्चन नंबर 64. द इंटर डिजिटेशन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, वो इंटर डिजिटेशन उसी की बात कर रहा है, कैरोनिक विलाई की, ये रही कैरोनिक विलाई. बिटवीन कैरोनिक विलाई ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट, नहीं, बिटवीन यूट्राइन टिश्यू एंड एंडोमेट्रियम, बिटवीन यूट्राइन टिश्यू एंड कैरोनिक विलाई. 64 में थर्ड आंसर जो है ये बिल्कुल सही है कि इंटर डिजिटेशन किसके बीच में होता है, ये रहा यूट्रस, तो यूट्राइन के टिश्यू यहां पर प्रेजेंट होंगे, यूट्राइन के टिश्यू इस एरिया में, और ये है आपकी कैरोनिक विलाई जो प्रेजेंट है, बनते हैं फिंगर लाइक प्रोसेस. इन दोनों के बीच में इंटर डिजिटेशन या अंतरा गुलिसन का है पाया जाता है. तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर थर्ड. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन
ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का काम कौन सा नहीं है? सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोक्सिन एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, कभी भी प्लेसेंटा ऑक्सीटोक्सिन का सिक्रेशन नहीं करती, ये करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो फर्स्ट ऑप्शन ही जो है वो गलत है। सिक्रेशन ऑफ एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन सही है, ह्यूमन कैरियोनिक गोनाडोट्रोपिन सही है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सही है, तो 65 का आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ऑक्सीटोक्सिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ हार्मोन सपोर्ट द फॉयटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंज, मदर मेंटेन द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर कौन कौन से हार्मोन का लेवल अप होता है और वो क्यों होता है? ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रह सके और जो डेवलपिंग फॉयटस है उसका बढ़िया डेवलपमेंट हो सके। उस टाइम पर थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन, FSH, ICH, ठीक, प्रोजेस्ट्रोन, कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन, बिल्कुल मदर के ब्लड में ये बढ़ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म या अम्बिलिकल कॉर्ड, ये प्रेजेंट होती हैं हमारी इनर सेल मास के अंदर, इसी से आगे जाकर एम्ब्रियो का क्या होता है डेवलपमेंट। 67 का आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68, ड्यूरिंग पार्चुरेशन रिलीज ऑफ ऑक्सीटोक्सिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी इज ट्रिगर्ड बाय, ऑक्सीटोक्सिन आया क्यों आया? इसके लिए पहले भी हमने डिस्कशन किया था कि फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो ने प्लेसेंटा को पकड़ के स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करते ही जो यूटराइन मसल्स थी उनमें माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ और उस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन के कारण एक न्यूरल रिफ्लेक्स निकला, दैट नोन एज ए फर्स्ट फॉयटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, क्लियर, उसकी वजह से ऑक्सीटोक्सिन का सिक्रेशन हुआ था। ऑप्शन पढ़ते हैं, फुल्ली डेवलप्ड फॉयटस ओनली, प्लेसेंटा ओनली, माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, अभी बताया था कि जब वो स्ट्रेच हुआ प्लेसेंटा तो गर्भाशय में हल्के संकुचन माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हुए, दैट नोन एज फर्स्ट फॉयटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और उसी रिफ्लेक्स की वजह से जो ऑक्सीटोक्सिन है उसका सिक्रेशन क्या होता है स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स डू इन्वॉल्व ए रोल ऑफ हार्मोन, कौन से ऐसे गर्भ निरोधक युक्तियां हैं या विधियां हैं जिसमें हार्मोन का यूज होता है? कॉपर टी, वो तो कॉपर रिलीज करती है, नहीं आ सकता, कॉपर टी नहीं आएगा। दूसरा पिल्स, इम्प्लांट्स, लैक्टेशन, एनिमोरिया, बिल्कुल सही है सेकेंड ऑप्शन, पिल्स के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इम्प्लांट्स में लैक्टेशन एनिमोरिया, पीआरएल का लेवल हाई रहेगा तो एफएसएच एलएच कम रहेगा, हार्मोन है तो ऑप्शन आएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 70, कॉलम मैच करना है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और उसके बारे में बता रखा है कि उसके एजेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रिपिनिमा, ट्रिपिनिमा की अगर बात की जाए तो हमारे पास में है ट्रिपिनिमा के लिए यहाँ पर दे रखा है सिफेलिस, बिल्कुल बैक्टीरिया है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, वाट्स, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी, एड्स, निसेरिया, गोनेरिया, फर्स्ट में ए, सेकंड में बी, थर्ड में डी और फोर्थ में सी, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71, कंसीडर द फॉलोइंग, बेटर अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर्स, यौन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता, क्या पूछना चाह रहा है ये? इनमें से आईएमआर एमएमआर में गिरावट करते हैं, बिल्कुल सही है, अगर जागरूकता होगी अवेयरनेस होगी तो इन्फ्लैंट मोर्टिलिटी रेट, मदर मोर्टिलिटी रेट दोनों में कमी आएगी, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिवाइस, बिल्कुल चिकित्सीय सहायता अगर सही है तो दोनों की डेथ रेट में कमी आएगी,
बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल, बेटर पोस्टनेटल केयर, बिल्कुल सही है, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, जिसकी वजह से IMR इन्फ्लैंड मोर्टलिटी रेट, MMR मदर मोर्टलिटी रेट को डिक्रीज किया जा सकता है। 71 में आंसर आएगा फोर्थ। सेवेंटी टू, द फर्टाइल पीरियड ऑफ ह्यूमन फीमेल इज 10 to 7 days आफ्टर ओवुलेशन, गलत। 10 to 17 days बिफोर मेंस्ट्रुएशन, गलत। 4 days बिफोर, 4 days आफ्टर। हाँ, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, इस ऑप्शन को। ओवुलेशन का टाइम क्या था? 14th day। ये कह रहा है 4 day बिफोर यानी 10th day, 4 day बाद यानी 18th day, और अकॉर्डिंग टू NCERT 10 to 17 days जो था, इसमें अगर कोइटस को अवॉइड किया जाए तो वहां प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो बहुत कम रह जाते हैं, या नहीं रह, ना के बराबर रह जाते हैं। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। 72 में आंसर आएगा थर्ड। सेवेंटी थ्री, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव द चांस ऑफ कंसेप्शन इज मोर? पीरियोडिक एब्सिटेंस, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंट्रा यूटराइन डिवाइस, स्टरलाइजेशन। इन तीनों में चांसेस ना के बराबर है, लेकिन नेचुरल जो मेथड्स हैं, ये NCERT का स्टेटमेंट है कि नेचुरल मेथड में कंसीव होने के चांसेस हैं, मना नहीं किया जा सकता। तो यहां पूछ रहा है कि कौन सी में गर्भधारण की संभावना है तो चारों में नहीं, लेकिन फिर भी इन चारों में हमें चूज करना पड़े तो हम नेचुरल मेथड्स को यूज करेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा? फर्स्ट। सेवेंटी फोर, द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज LNG20 और प्रोजेस्टा सर्ट। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा हमारा सीधा ही। सेवेंटी फाइव, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन इनहिबिट? ओवुलेशन भी ना हो और इम्प्लांटेशन भी ना हो, दोनों को अवॉइड करे। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। बिल्कुल ना तो इम्प्लांटेशन होने देगी और ना ही ये ओवुलेशन होने देगी। ट्यूबक टोमी करवा देते हैं फिर भी ओवुलेशन होगा, हिस्टरेक्टोमी यूट्रस बाहर निकाल देते हैं तो भी ओवुलेशन होगा, सर्विकल कैप यूज किया जाता है तो भी ओवुलेशन होगा, लेकिन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन दोनों को क्या करती है? इनहिबिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक ART इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? इन विट्रो यानी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाना है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एंड GIFT, इसमें गैमेट आ गया भैया इसलिए नहीं लेंगे फर्स्ट को। ZIFT आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आ गया इसलिए इसको नहीं लेंगे। ZIFT GIFT आ गया इसलिए इसको नहीं लेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एंड ICSI, बिल्कुल सही है हमारा। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन इन विट्रो की टेक्निक है और टेस्ट ट्यूब बेबी भी इन विट्रो की ही टेक्निक है, जहां फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर लैब में करवाया जाता है। तो 76 का आंसर आएगा फोर। नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। करेक्ट सीक्वेंस बताना है स्पर्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, वसा, इन्फ्रेंशिया, वसा, डिफ्रेंशिया, गलत है पहला। टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, वसा, इन्फ्रेंशिया बाद में आ रही है, गलत है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लैक्टेटरी टेस्टिस, वसा, इन्फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वसा, डिफ्रेंशिया, एजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मियोटिस। बिल्कुल थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। शुक्रजन नलिकाएं, वृषण जालक, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहक, स्क्लन नलिका, मूत्र मार्ग और मूत्राशय, मुख।
तो 77 के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड। सेवेंटी एट, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अकर ड्यूरिंग द ओजेनेसिस इन, पहला अर्धसूत्री विभाजन मियोटिक डिवीजन किसमें होता है? 78, ओवेरी में, सिलोम में, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन, या फेलोपियन ट्यूब आफ्टर ओवुलेशन। आंसर क्या आ जाएगा 78 का? फर्स्ट ओवेरी में ही होता है, फर्स्ट मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। सेकंड कहां होता है? फेलोपियन ट्यूब में, इसलिए फर्स्ट आंसर। 79, इन ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर द प्रेगनेंसी फॉलोइंग इज ऑब्जर्व इन फोइटस। 12 वीक, पहली तिमाही कंप्लीट हो चुकी है भैया, 3 महीने कंप्लीट, लगभग सारे ऑर्गन सिस्टम इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन चुके हैं। आईलिड्स गलत, मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, बिल्कुल सही है। तो 79 का आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ग्रुप ऑफ हैप्लोइड सेल इन द फॉलोइंग। हैप्लोइड सेल क्रोमोसोम नंबर 23 होना चाहिए। प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, स्पर्मेटिड, इसका हैप्लोइड नहीं है। नेक्स्ट 80 के अंदर अगला है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बिल्कुल हैप्लोइड है, फर्स्ट पोलर बॉडी हैप्लोइड है, ओवम भी क्या है? हैप्लोइड। आंसर क्या जाएगा? सेकेंड। एटी वन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस फेज ऑफ ए टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की सही फेज का डायरेक्शन हमें देना है, आर्तव चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं के बारे में बताना है। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर, सिक्रेटरी, ओवुलेटरी। गलत, ओवुलेटरी गलत, मेंस्ट्रुअल सही, फॉलिकुलर दूसरी, ओवुलेशन और फिर सिक्रेटरी। ऑप्शन क्या जाएगा? थर्ड। आर्तव प्रावस्था, पुटके प्रावस्था, अंडोत्सर्ग और स्त्रावी प्रावस्था। तो 81 का आंसर थर्ड। एटी टू, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इंक्रीज होता है और वो भी मदर के ब्लड में इंक्रीज है और वो भी मदर के ब्लड में, क्यों? ताकि फोइटल ग्रोथ को प्रॉपर और प्रेगनेंसी को प्रॉपर मेंटेन किया जा सके। 82 में आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, कॉलम मैचिंग करना है। हाइपोथैलेमस जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, प्लेसेंटा ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एचसीजी, कार्पस लूटियम प्रोजेस्ट्रोन, लैंडिंग सेल एंड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 83 में बात की जाए तो फर्स्ट में बी, सेकंड में ए, थर्ड में डी और फोर्थ में सी, फर्स्ट ऑप्शन बैठता है हमारा। 83 का आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट 84, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फिटस एंड द अपेरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड आर यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ। पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उगना ये होता है फिफ्थ मंथ में। तो 84 का आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85, विच ह्यूमन मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल। ये रहा सेमिनल वेसिकल, ये रही इसकी डक्ट, इसे बोला सेमिनल डक्ट। इससे आकर कौन जुड़ी? इससे आके जुड़ती है वसा डिफरेंशिया। क्लियर, इसका आंसर आ जाएगा वसा डिफरेंशिया। 85, ये रही वसा डिफरेंशिया, जो सेमाइनल वेसिकल की सेमाइनल जो डक्ट है उसके साथ में अटैच होगी और बाद में आगे बनाएगी इजैकुलेटरी डक्ट, तो इसके साथ ये जुड़ी थी। आंसर आ जाएगा शुक्रवाहक, जो कि शुक्राशय वाहिनी के आकर मिलती है। 85 में थर्ड।
नेक्स्ट एटी सिक्स द प्राइमरी ओसाइट कंप्लीट सेकेंड माइटोटिक डिवीजन इन कहां पर पूरा करता है, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन, और ये कब पूरा करेगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तभी ये अपना अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड कंप्लीट करेगा, और वो करेगा फेलोपियन ट्यूब में। आंसर आ जाएगा सेकेंड 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। इन ह्यूमन बीइंग ओवम स्पर्म कंटेन, ओवम के पास में एक्स क्रोमोसोम होता है, स्पर्म के पास एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन नंबर 87 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। करेक्ट सीक्वेंस रिलीज ऑफ मिल्क, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज करने की जो सीक्वेंस है वो सही क्या है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक्ट, लैक्टिफेरस गलत, मेमोरी डक्ट, मेमोरी ट्यूब्यूल्स गलत, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा थर्ड, स्तन नलिकाएं, स्तन वाहिनी, स्तन तुम्बिका और दुग्ध वाहिनी। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। मैच्योर स्पर्म इन ह्यूमन बीइंग आर स्टोर्ड इन, मैच्योर स्पर्म कहां जाकर स्टोर होते हैं, सोमैन वेसिकल में होंगे नहीं, एपिडर्मिस सही है, रेडी टेस्टिस नहीं, इजैकुलेटरी डक्ट नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड, अधिवृषण में जाकर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। इन म्यूटिक सेल ऑफ फ्रूट फ्लाई द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो सेल जो मियोसिस के लिए जाएगी उसे म्यूटिक सेल बोला, और म्यूटिक सेल के अंदर, और वो भी किसमें पूछ रहा है, फ्रूट फ्लाई में, क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है 8 डिप्लॉइड सेल में, आंसर आ जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 91। इन ह्यूमन फोइटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिटस, लिम्ब और डिजिटस दोनों कब बने, आफ्टर वन मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, उस टाइम तो हार्ट बनता है हमारे पास में। नेक्स्ट अगला है ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ गलत, एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर गलत, तीनों गलत है, बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, बिल्कुल दूसरे महीने के लास्ट तक आते आते हमारे जो अंगुलियां और पैर हैं उनका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। हमें कॉलम मैच करना है, क्लाइटोरिस, ग्राफियन फॉलिकल या एक्सटर्नल जेनिटल, ठीक है, एंट्रम, एंट्रम ग्राफियन फॉलिकल ले सकते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट, एक्रोसोम हम ले सकते हैं, स्पर्म। तो क्वेश्चन नंबर 92 में फर्स्ट में ए, सेकंड में सी और थर्ड में बी और फोर्थ में डी, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो क्लियर एप्रोप्रिएट है, तो इसमें आंसर आएगा थर्ड क्वेश्चन नंबर 92 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पोजेबल बैरियर यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर प्रिवेंटिंग फिजिकल मेटिंग स्पर्म एंड ओव, एक बार में ही प्रयोग करने वाला वो है सिर्फ और सिर्फ कॉन्डम्स, क्योंकि डायफ्राम और सर्विकल कैप को रीयूज किया जा सकता है, लेकिन कॉन्डोम सिंगल यूज्ड होता है, डिस्पोजेबल होता है, आंसर आएगा थर्ड। '94 इन वसेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ विच मेल, वसा डिफरेंशिया का एक पार्ट काटा शुक्रवाहक का और उसे बांध दिया, तो 94 में आंसर आएगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमटीपी मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी, एमटीपी आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बिल्कुल सही है, एमटीपी आर यूज्ड एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के यूज एज सच हम लोग करते नहीं है, गलत है, एमटीपी ऑलवेज सर्जिकल, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही सर्जिकल हो, ये पॉसिबल मतलब कंपल्सरी नहीं है ये,
एमटीपी रिक्वायर्ड असिस्टेंट क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन, बिल्कुल सही है। तो ए और डी सही है, बी और सी पूरी तरह सही नहीं है। 95 का आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एमटीपी 2017, ए प्रेगनेंसी ऑफ 16 वीक में बी टर्मिनेटेड मस्ट बी ओपिनियन ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। ये मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूंगा जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी के जो मेन पेज पर लिखा होता है वही पढ़ रहे हैं, उस पेज के साइड में भी रेड कलर की स्ट्रिप के अंदर छोटे छोटे लेटर्स के अंदर स्टेटमेंट लिखे होते हैं, अगर वो स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो ही ये क्वेश्चन का आंसर होगा। कंप्लीट एनसीईआरटी से है। बता देता हूं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो सेकंड नंबर का पेज है उसमें स्ट्रिप है एक येलो कलर की, उसमें लिख रखा है इसके बारे में कि 16 वीक का अगर एम्ब्रियो है या फोटस है तो उसको एमटीपी के हटाना है तो किसकी राय जरूरी है, उसके लिए हमें टू रजिस्टर्ड, दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय जरूरी है। बता दिया कहां लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, एक बार चेक कर लेना आप। आंसर आएगा इसका फर्स्ट, 96 का। 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डिंग वसक्टोमी, वसक्टोमी के लिए क्या नहीं है। वसा डिफरेंशिया कट टाइप सही है, नो स्पर्म अकर इन सीमन सही है, नो स्पर्म अकर इन द एपिडिडाइमिस, ये गलत है भाई। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, एपिडिडाइमिस में तो स्पर्म रहेगा, हमने काटा किसको है, वसा डिफरेंशिया को, और वसा डिफरेंशिया उसे आगे कैरी नहीं कर पा रही, बट एपिडिडाइमिस में तो है, तो ये सही नहीं है स्टेटमेंट थर्ड वाला। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर अप टू 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर तक का फेलोपियन ट्यूब, 98 में आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट 99, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए रेफर किया गया है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर ठीक है, ए मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर गलत, बेबी बोर्न इन टेस्ट ट्यूब गलत, यूज टेस्ट ट्यूब फॉर स्पर्म ट्रांसफर गलत। आंसर क्या आ जाएगा 99 का, फर्स्ट। तो 99 का आंसर हमारे पास फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉल्स फॉर जीआईएफटी गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर के बारे में पूछ रहा है। जायगोट गलत है, फर्टिलाइजेशन अकर फेलोपियन ट्यूब बिल्कुल सही है, गैमेट भेजे हमने तो, स्पर्म ओम ट्रांसफर इंट्रा फेलोपियन ट्यूब बिल्कुल सही है, लेट एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो नहीं, एम्ब्रियो तो वहां बनाएंगे हम फेलोपियन ट्यूब में, तो बी और सी जो है वो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका गलत पूछा है तो गलत में ए और डी क्या हो जाएगा, गलत। आंसर क्या आएगा थर्ड, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, आंसर है ए और डी थर्ड। तो ये हमारे पेपर का सॉल्यूशन था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपके बचे हुए जितने भी एग्जाम हैं बायोकेम डीटीएस के या उससे नेक्स्ट आने वाले नीट के एग्जाम के लिए। थैंक यू, जय सीएलसी। मैं नवीन जोशी, टीम केमिस्ट्री बायोकेम डीटीएस एग्जाम सोल्व कर रहे हैं, और एग्जाम में टेस्ट नंबर 16, 25 में से 16 पेपर अपन सोल्व करने जा रहे हैं। तो वन बाय वन अपन क्वेश्चन एक एक सोल्व करते हैं। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अपन पढ़ते हैं इसको, समझते हैं पहले। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, कोई ट्रांजिशन मेटल है उसका मैग्नेटिक मोमेंट, थ्री डी सीरीज, जो थ्री डी सीरीज की है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है आपको, एक सेकेंड, 6.92। हिंदी में बोले तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना दे रखा है, 6.92, और आपको निकालना है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। देखो, अपने पास जब भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा होता है, तो उसकी सहायता से, चुंबकीय आघूर्ण की सहायता से हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में एन इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन, ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 6.92।
लेकिन इस टाइप के जब भी क्वेश्चन करें इसमें एक सिंपल सी ट्रिक है वो काम मिले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यदि आप ये जहाँ ये जो एन है ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो आप अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले कैलकुलेट करोगे फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पे जाओगे तो इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी। इस द्विघात समीकरण को हल करने से अच्छा है इस ट्रिक को काम में लें। एक ट्रिक सिखाई जाती है क्लास में, ट्रिक क्या है, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण 1 point something आएगा। एक ट्रिक है, इससे काम बहुत आसानी से हो जाता है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट 1 point जो भी वैल्यू आ गया, यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2 point something वैल्यू आएगी। यदि मैग्नेटिक मोमेंट सॉरी अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 3 point something आएगा। तो इस क्वेश्चन से आगे चलते रहेंगे तो समझ में आ ही गया होगा आपको। यदि अपन बात करें इसमें 6 point something जो भी वैल्यू दे रखी है, तो इससे अपने को आइडिया लगता है कि इसमें 6 unpaired इलेक्ट्रॉन है, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अपने को एन की वैल्यू इसको बिना सोल्व किए पता कर सकते हैं। इस अपने को इस इक्वेशन को सोल्व नहीं करना, इस इक्वेशन को बिना सोल्व किए पता कर सकते हैं कि भाई साहब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6 होंगे इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 6। अब आप इस कॉन्फिग्रेशन को 4 options दे रखे हैं कि चेक करें कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 आ रही है। तो पहला है 3d4, 3d4 में डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो डी के अंदर जब भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, डी के अंदर 4 और 4s2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। आप इसमें देखो टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए हैं, टोटल 4 ही हो पाए, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, तो अपना ये आंसर नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, इसमें है 3d5, तो d5 1, 2, 3, 4 और 5, 5 तो d में अनपेड है और एक इलेक्ट्रॉन s के अंदर अनपेड है। अब टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 d के रहे, एक s का रहा, तो टोटल कितने हो गए, 6 unpaired इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है कि यदि मैग्नेटिक मोमेंट 6 point something है, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 आने चाहिए और इसके अंदर 6 unpaired इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो अपना आंसर जाता है 2nd। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, पर इसी ट्रिक नहीं है, अच्छी है, आपको पता है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको आप मेंशन करें, आप ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये बेटा। चलो नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल सा है, मैग्नेटिक मोमेंट से ही रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन ऑर्डर ऑफ दियर मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो आयंस है इनको व्यवस्थित करना है चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर, जो आयन है उनके चुंबकीय आघूर्ण। फिर से मैं बोलता हूँ, चुंबकीय आघूर्ण का अपन ने एक फॉर्मूला सीखा है, अभी जस्ट चर्चा किया है, चुंबकीय आघूर्ण, एक सेकंड, ये हो गया पेन सेलेक्ट। चलो तो चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, रूट में एन इंटू एन प्लस टू। अब सिंपल सी बात है कि जिस एलिमेंट, जिस आयन का अनपेड इलेक्ट्रॉन, या जिस एलिमेंट या जिस आयन में अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उस एलिमेंट या उस आयन का मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़्यादा आएगा। जिस तत्व या जिस आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी उसमें चुंबकीय आघूर्ण भी ज़्यादा ही आएगा। तो अपने को बस इतना सा चेक करना है कि इसमें एन की वैल्यू ज़्यादा है, और जिसमें एन की वैल्यू ज़्यादा उसका चुंबकीय आघूर्ण भी ज़्यादा। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसके क्रम में यदि व्यवस्थित कर दें तो वही चुंबकीय आघूर्ण की व्यवस्था होगी। ठीक है डियर, चलो तो वैनेडियम है, आप वैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे फिर प्लस 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद चर्चा करेंगे। तो अब सबको पता है कि वैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, तो 4s2 3d। हालांकि पहले 3d लिखना चाहिए लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह से लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली वैसे लिखा है। 4s2 3d कितना हो जाएगा, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, 3d हो जाएगा 3। और वैनेडियम प्लस 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले वैलेंस सेल से रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से त्यागा जाता है, जो अंतिम कोष होता है, संयोजी कोष होता है। तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा था कि इसको अपन 4s पहले लिखने के बजाय पहले 3d लिखते हैं, क्योंकि अंतिम कोष जो संयोजी कोष है वो 4s है, 4 कोष है। तो इससे फोर्थ सेल से अपन इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, अपने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो 2s के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2s के इलेक्ट्रॉन गए और 2 जाएंगे, फिर d की बारी है कि d से और 2 चले जाएंगे, तो बचेगा कॉन्फ़िगरेशन में केवल, मैं सिर्फ लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, हालांकि इससे पहले आर्गन रहा होगा। एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे लिखना चाहिए, आर्गन 3d 3 एंड 4s 2, इस तरह से लिखा और ज़्यादा सही लगेगा। और इससे इलेक्ट्रॉन जब निकाल दिए जाएंगे, रिलीज कर दिए जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन जैसे त्यागे जाएंगे, तो अपन रिलीज करने के बाद क्या लिख देंगे, इसको वैनेडियम प्लस 4 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, आर्गन
यहाँ तक आर्गन मतलब इनर्ट गैस आर्गन अक्रिय गैस आर्गन तक के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है। और इसमें क्या आ जाएगा 4s2, तो 4s2 के इलेक्ट्रॉन गए, इससे दो इलेक्ट्रॉन और गए तो बचा गया 3d, 3d का एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और 3d1 का मतलब d में सिर्फ एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएगा 1। नेक्स्ट बात करते हैं Mn+4, तो पहले Mn और उसके बाद +4 करेंगे, तो डायरेक्ट मैं इसका लिख रहा हूँ Mn+4। वैसे Mn का क्या होता, 3d5 होता और 4s2 होता। यदि Mn किस डायरेक्ट में आयन के लिख रहा हूँ अब, तो 3d5 होता और 4s2 होता, चार इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो ऑर्गन चार इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉन्फिग्रेशन, पहले दो s के जाएंगे और d के पांच में से फिर दो जाएंगे, तो 3d 5 में से दो गए तो 3 बच जाएंगे, और 4s क्या हो जाएगा 0, s के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। मतलब Mn+4 का कॉन्फिग्रेशन क्या आ जाएगा, 3d3 एंड 4s0, चार इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। ठीक है डियर, अब इस वन पेड इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 3 d के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख देता हूँ 3 आ चुकी है, यहाँ पर मैं अनपेड इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ इससे का। ठीक है डियर, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्फिग्रेशन है Fe+3। वैसे Fe का खुद का कॉन्फिग्रेशन क्या होता है, आर्गन 3d6 होता है और 4s2 होता है, लेकिन इसमें से दो इलेक्ट्रॉन त्यागने, अच्छा Fe+3 है, सॉरी मैंने Fe+2 लिख दिया, Fe+3 करते हैं, तो Fe+3 है, सॉरी Fe+3 है, और Fe+3 से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन Fe से निकालने हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन तो ये निकल जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन ये गए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो d बच जाएगा 5, d कितना आ जाएगा 5 और s कितना आ जाएगा 0, s कितना आ गया 0। ठीक है डियर, तो d5 को देखते हैं, d5 में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 500 के 500, ये रहे 500 के 500 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और s के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं क्योंकि 4s0 हो चुका है, तो इसमें कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो चुकी है 5, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो चुकी है 5। नेक्स्ट अपन बात करते हैं निकल, निकल 28 नंबर पे आता है, और Ni+2 की बात करें, पहले निकल का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, आर्गन 3d8 एंड 4s2, और जैसे ही निकल +2 लिखेंगे तो अपने को पता है कि 4s के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और जैसे ही 4s के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4s क्या हो जाएगा 0। तो अब d8 कॉन्फ़िगरेशन बचा है 3d8, तो 3d8 का विन्यास लिखते हैं, तो 3d8 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज़्यादा हुआ, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे वेनेडियम है, सेकंड नंबर पे Mn का दे रखा है, थर्ड नंबर पे Fe दे रखा है, फोर्थ नंबर पे, तो सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें है Fe में है, तो थर्ड सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट रखेगा, उसके बाद में सबसे सेकंड नंबर पे आ जाएगा Mn, क्योंकि इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो सेकंड वाला सेकंड रैंक पे आ जाएगा, थर्ड रैंक पे आ जाएगा, जो फोर्थ नंबर पे उसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो नेक्स्ट आ जाएगा फोर्थ नंबर पे, फोर्थ वाला थर्ड रैंक पे आ जाएगा, और सबसे लास्ट रैंक पे कौन आएगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो यदि ऑर्डर की बात करें किसके साथ मैच करता है, तो 3, 2, 4 एंड फर्स्ट, सेकेंड आंसर विल बी करेक्ट, चौथा जो सेकेंड आंसर है बिल्कुल सही होगा इसी ऑर्डर में रखे हुए हैं। ठीक है डियर, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, सेकंड। चलो नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द आयन विल गिव कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन, निम्न में से कौन सा रंगहीन आयन देगा, रंगहीन जलीय विलयन देगा, कौन सा आयन रंगहीन जलीय विलयन, मतलब जिसका कलर नहीं होना चाहिए, एक तरह से अपने को आयन सेलेक्ट करना है। सिंपल सी बात है कि जिस अपने को डीप ब्लॉक में सिखाया जाता है, एक सेकेंड, अब थोड़ी हैबिट नहीं है, पहले अपन सेलेक्ट करते हैं पेन को। ठीक है डियर, तो अपन बात करते हैं डीप लोग अपन सीखते हैं कि जिस आयन का कॉन्फ़िगरेशन, डीप लोग अपन सीखते हैं जिसका D0 कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कलर नहीं आता, और जिसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन है उसमें भी कलर नहीं आता। कारण क्या है, D0 कॉन्फ़िगरेशन जो डीप लोग में जो आयन्स है, जो एक्वस आयन्स है, उनका जो कलर एक्सप्लेन करते हैं अपन लोग, उसमें बोलते हैं डी ट्रांजिशन, जो डी संक्रमण होता है। और डी संक्रमण क्यों होता है, क्योंकि जो कक्षक होते हैं डी, वो संभ्रंश होते हैं, वो विपाटित हो जाते हैं, जहाँ पानी एक लिगेंड का काम करता है और संकुल बनता है जब पानी के साथ, और जब विपाटित डी कक्षक में डी ट्रांजिशन होता है, तो उस स्थिति में कलर ऑब्जर्व होता है, अदरवाइज कलर ऑब्जर्व नहीं होता।
तो जहां D10 कॉन्फ़िगरेशन है सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो उस केस में ट्रांजिशन नहीं होता, और जहां D0 कॉन्फ़िगरेशन है वहां पे भी D इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वहां पे भी कलर ऑब्जर्व नहीं होता। तो हमें मेनली क्या सेलेक्ट करना है, D0 या फिर D10 कॉन्फ़िगरेशन को। तो चेक करते हैं, निकल प्लस 2 D8 कॉन्फ़िगरेशन, Fe प्लस 2 D6 कॉन्फ़िगरेशन, Cu प्लस 2 D9 कॉन्फ़िगरेशन, बट Cu प्लस इज D10 कॉन्फ़िगरेशन, Cu प्लस इज D10 कॉन्फ़िगरेशन। आप सबको पता है कॉपर का एक एक्सेप्शनल केस होता है कॉन्फ़िगरेशन में, जहां पर आर्गन 3D10 होता है एंड 4S1 हुआ करता है। तो 4S1 एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया कॉपर से, तो आर्गन, ये कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखता था, मैं कॉपर प्लस 1 का लिख रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन 4s0, तो डी के 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये सारे पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं होगा, तो इसका कोई कलर नहीं आने वाला। तो अपना आंसर जाएगा कलरलेस, रंगहीन होना चाहिए, तो Cu प्लस विल बी कलरलेस। ओके डियर, चलो तो थर्ड का आंसर होता है फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, और फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। इस बार पूछा गया है कि कौन सा आयन रंगीन होगा, कलर्ड, रंगहीन नहीं, रंगीन। तो कौन सा आयन कलर्ड होगा, तो सिंपल सा है, आप ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसमें D1 से लेकर D9 तक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो कलर्ड आएगा। ठीक है डियर, इन स्कैंडियम प्लस 3 पहले ये चेक कर, दोनों कलर्ड होने चाहिए, तो मेरे को एक ऑप्शन भी यदि कलरलेस हो जाता है तो उसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। तो स्कैंडियम आपको पता है D0 कॉन्फ़िगरेशन, स्कैंडियम प्लस 3 D0 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, तो कलरलेस होगा, जबकि हमें पूछा गया कलर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसमें अपने कलर्ड पूछा तो एक गलत हो गया, ये कलरलेस होता है। अभी कोई Cu प्लस 2 की चर्चा की थी, सॉरी Cu प्लस 1 की चर्चा की थी, वो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। फिर बात करते हैं निकल प्लस 2 एंड टाइटेनियम प्लस 3, तो इन दोनों में अपन देख सकते हैं कि D0 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, ना D10 होता है। यदि बात करूँ निकल की, तो निकल में क्या होता है, D8 कॉन्फ़िगरेशन, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की थी, 3D8 कॉन्फ़िगरेशन आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है, DD स्प्लिटिंग होगी, DD ट्रांजिशन होगा, DD संक्रमण होगा, इस वजह से कलर भी ऑब्जर्व होगा अपने को। ठीक है डियर, अब बात करते हैं टाइटेनियम, तो इसमें हम बताए स्कैंडियम टाइटेनियम। अब टाइटेनियम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पहले तो होता है 3D 4S 2 एंड 3D 2, और टाइटेनियम प्लस 3 है तो 3D 1 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, आर्गन 3D 1, और क्योंकि इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब इसमें भी कलर होगा, तो आपका आंसर जाता है थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जाता है थर्ड। चलो डियर नेक्स्ट चलते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलो नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, ये पूछ रहे हैं द लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट, मतलब जो लेंथेनॉइड संकुचन होता है वो किस तथ्य के लिए, किसके लिए कारगर है, मतलब वो क्या इफेक्ट लेके आता है उसकी चर्चा करते हैं। मतलब लेंथेनॉइड जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका नुकसान किसको झेलना पड़ता है, तो आप सबको पता है कि स्कैंडियम आता है, और स्कैंडियम के नीचे भाई अपन यदि बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो कहाँ पर इसका इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, क्यों ये इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, वो अपन चर्चा करने जा रहे हैं। ओके डियर, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, आगे एलिमेंट्स चलते रहते हैं। ठीक है, स्कैंडियम के नीचे येट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम, और टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हाफनियम। क्लियर, आप लोगों को सबको पता है कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी इस कलर का कोई यूज नहीं है, जो लेंथेनम होता है, आप सबको पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट अपनी पोजीशन रखते हैं कुछ इस तरह से, डी ब्लॉक एलिमेंट लेंथेनॉइड के पीछे हैं, तभी लेंथेनम के पीछे, तभी इनको लेंथेनॉइड्स कहा गया है। ये सब कहाँ होते हैं, लेंथेनम के पीछे की तरफ होते हैं, तभी इनको लेंथेनॉइड्स कहा गया है, और इनकी रेडियस क्या होती है, डिक्रीज, इनकी रेडियस क्या होती है, कम। जब इसकी रेडियस कम होती है तो इनमें धीरे धीरे, यदि इनकी रेडियस कम नहीं होती तो शायद ये ऑर्डर मेंटेन रहता टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस इंक्रीज वाला, जबकि ऐसा नहीं रहता, क्योंकि जब लेंथेनम में रेडियस की कमी आती है, इसको अपन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसका नुकसान जो झेलना पड़ता है वो इस हाफमियम को झेलना पड़ता है, वो ये नुकसान किसको झेलना पड़ता है, हाफमियम को। ऐसा क्यों, देखो लेंथेनॉइड के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो तो लेंथेनॉइड में कमी आ गई साइज में, लेकिन उस साइज का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, उसके जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट पर। वैसे ही जैसे अपन लोग बात करते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का, तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन तो होता है लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो गैलियम पे पड़ता है,
और गैलियम का जो एक्सपेक्टेड साइज होता है, जो अपन ने सोचा था गैलियम का साइज, उससे साइज एक्चुअली कम हो जाता है, और एल्यूमिनियम और गैलियम अपन देखते हैं एक्सेप्शनल केस। तो एक्चुअली क्या होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्शन, जो भी संकुचन आता है, उस संकुचन का जो प्रभाव है मेनली, उससे नेक्स्ट एलिमेंट जो भी इस प्रभाव जहां तक आया है उसके बाद इफेक्ट स्टार्ट होता है। तो ये जो लेंथनम, जो लेंथनोइड्स आया, लेंथनम के बाद जो लेंथनोइड्स है उसका इफेक्ट किसको झेलना पड़ता है, इस हाफमियम को। इवन इस वजह से ये जो जिरकोनियम एंड हाफमियम, उनका साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। इवन इनके साइज में एक पिकोमीटर का डिफरेंस होता है ओनली, एक पिकोमीटर का डिफरेंस बहुत कम होता है, इवन नेग्लिजिबल होता है, तो अपन जस्टिफाई कर सकते हैं ऑलमोस्ट इनका साइज सेम हो जाता है। इवन इस नुकसान को पूरा ये जो 3D सीरीज, उसके बाद जो 4D और 5D सीरीज है, लेंथनम के बाद जो है 4D और 5D का पूरे का साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, सेम। तो हम कह सकते हैं कि इसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिला, जिरकोनियम और हाफमियम की रेडियस का सेम हो जाना। अपन ऑप्शन पे चलते हैं, जिरकोनियम एंड येट्रियम नहीं, जिरकोनियम नायोबियम नहीं, जिरकोनियम हाफमियम है अबाउट सेम रेडियस, बिल्कुल सही है। जिरकोनियम और हाफमियम की जो त्रिज्या है वो लगभग समान हो जाती है, उसका प्रभाव एक्चुअली वहां पड़ता है, इफेक्ट वहां जाके देखने को मिलता है, वैसे ही ट्रांजिशन का, वैसे ही इवन लेंथनोइड का जो इफेक्ट है, जो ट्रांजिशन लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट है, वो काफी दूर तक, इवन 15th ग्रुप तक देखने को मिलता है। ओके डियर, 15th ग्रुप में जैसे आप बात करो आयोनाइजेशन एनर्जी है या EN है, वहीं कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल केस तो देखने को मिलते हैं, वो उसका मेन रीजन ये होता है ड्यू टू लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है डियर, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या जाता है, थर्ड, जिरकोनियम और हाफमियम की सेम रेडियस। चलो नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन से ऑक्साइड विल नॉट गिव मेटल ऑन हीटिंग, मतलब जब उनको हीट किया जाता है तो मेटल नहीं मिलनी चाहिए। देखो मेटल क्यों मिलती है हीट करने पर, पहले वो चर्चा करते हैं कि जब भी आप किसी को हीट कर रहे हो, किसी मेटल ऑक्साइड को, जनरली मेटल ऑक्साइड बहुत स्टेबल होते हैं ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, बढ़िया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है आयनिक टाइप का इन जनरली। तो इस बॉन्ड के कारण बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग जब सॉलिड बन जाता है तो वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, हीट करने डिकम्पोज नहीं होता। लेकिन जो ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, कुछ मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, तो इस वजह से उनको हीट करने पर उनकी ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। जैसे उनमें एग्जाम्पल क्या दिया जाता है, एक तो सिल्वर है उसका, एक HgS का, इनका इन जनरली ऑक्साइड्स को हीट करते हैं तो ऑक्सीजन इजीली रिलीज हो जाती है। तो जैसे इसको HgO को हीट करोगे, गर्म करोगे, तो Hg प्लस हाफ O2 बन जाएगा, इसको हीट करोगे तो 2Ag प्लस हाफ O2 बन जाएगा, और जब इसको हीट करोगे तो 2Hg प्लस हाफ O2 बन जाएगा, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। बट जिंक हीट करने पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा और एलिमेंटल या मेटल जिंक नहीं देगा। तो आंसर क्या जाएगा इसमें, सेकंड, सिक्स का आंसर जाता है सेकंड। सिंपल सा कंसेप्ट है ये, जो अपन लगाया कि इस ऑक्साइड को गर्म करने पर धातु नहीं मिलेगी, तो जो ऑक्साइड स्टेबल है, जो या ऐसा बोलते हैं जो ऑक्साइड अनस्टेबल है वो इजीली ऑक्सीजन दे देगा, इसका जो स्टेबल वो नहीं देगा। ओके डियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड इज, लेंथेनॉइड की कौन सी सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो अपन एफ लोग बहुत अच्छे से, बड़ा ही सिंपल सा NCERT का क्वेश्चन है कि लेंथेनॉइड की प्लस तीन ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो बड़ी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हाँ, इसमें कंसेप्ट लगता है, यदि प्लस तीन में नहीं है तो क्या हो सकता है, या प्लस टू होगी या फिर प्लस फोर होगी। तो यदि वो प्लस टू में है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहते हैं, और यदि प्लस फोर में तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे, मतलब यदि प्लस टू में तो इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहेंगे और प्लस फोर में तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेंगे। इसका मतलब यदि वो प्लस टू में तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, रिलीज करने की टेंडेंसी रहेगी, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, अपचायक होंगे, और यदि वो प्लस फोर में तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे ताकि प्लस तीन में आ जाए अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक का काम करेंगे। तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि यदि प्लस टू है तो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और यदि प्लस फोर में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेंगे। ओके डियर, चलो तो इसमें सिंपल सा है कि प्लस तीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कॉमन थर्ड आ जाएगा सेवंथ में। चलो डियर नेक्स्ट, एट्थ क्वेश्चन, इन डाइल्यूट एल्कलाइन सॉल्यूशन MnO4- चेंजेस टू, मतलब तनु क्षारीय माध्यम, मतलब वीक बोल सकते हो या दुर्बल क्षारीय माध्यम बोल सकते हो, उसमें MnO4- किस में चेंज हो जाता है। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है जिसमें इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज NCERT लिख रखी है उसके अंदर ये बता रखा है बहुत अच्छे से कि जो MnO4- होता है वो तीन स्टेट में चेंज हो सकता है,
जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो खुद रिड्यूस होगा। इवन ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है कि जब कोई ऑक्सीकारक है तो सामने वाले को ऑक्सीकृत करेगा लेकिन खुद तो अपचयित होगा। तो जब खुद अपचयित होता है, इसके अपचयित रूप क्या क्या बनते हैं? एक बनता है MN+2 बनता है डायरेक्ट, एक बनता है MnO4-2 और एक बनता है MnO2। इसमें MN+2 में है, इसमें MN+6 में, इसमें MN+4 में, लेकिन वो किस में होता है वो चेक कर लेते हैं। ये होता है एसिडिक मीडियम में। ये किस में होता है? एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, पीएच 4 से कम होती है तो ये अपने को इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं MnO4-2। इन जनरल ये बेसिक मीडियम में देखने को ऑब्जर्व होता है, देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम बोलना चाहिए मेरे को, जो पीएच ऑलमोस्ट 11 से ज़्यादा, 11 के एक पल उससे ज़्यादा होती है तो अपने एक ऑब्जर्वेशन होता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं MnO2। तो ये वीक बेसिक या फिर वीक एसिडिक या फिर न्यूट्रल मीडियम जो होता है, मतलब बहुत डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो उस केस में अपने को क्या फॉर्म होता है? MnO2, जो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट, मतलब ब्लैक कलर का होता है ये MnO2। तो इसमें आपने दे रखा है कि डाइल्यूट, मतलब बहुत वीक रखा गया है, बहुत दुर्बल रखा गया है उसको, क्षारीय माध्यम बहुत दुर्बल है, तो उसमें आंसर क्या जाएगा? MnO2 आना चाहिए। तो 8th क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा MnO2। यदि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम दिया होता तो Mn+2 हो जाता, और यदि स्ट्रॉन्ग बेसिक दिया होता तो MnO4-2। लेकिन अभी वीक दे रखा है, तनु क्षारी दे रखा है, दुर्बल दे रखा है एक तरह से। तनु मतलब बहुत कम बेसिक है इसका मतलब, तो MnO2 आपका आंसर जाएगा। तो 8th में भी क्या जाएगा? सेकेंड। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑन बाई, हाँ इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट लगेगा कि अपन पी ब्लॉक में सीखते हैं कि जो हायर एलिमेंट होते हैं, अपर एलिमेंट हो जाए, हायर में नहीं बोलना चाहिए और अपर एलिमेंट बोलना चाहिए, पी ब्लॉक जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, जबकि बॉटम वाले होते हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। बॉटम वाले मेनली लास्ट वाले जनरली, ठीक है। तो इसका कारण अपन बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि लास्ट वाले आगे इलेक्ट्रॉन को नहीं भेज पाते हैं तो उन पर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है नीचे वाले बॉटम वाले एलिमेंट्स पे। तो सिमिलरली डीप ब्लॉक में जस्ट इसका रिवर्स होता है, NCERT में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो दर्शाई जाती है अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था, तो जो एलिमेंट नीचे होते हैं उनकी जो लोअर एलिमेंट, जो नीचे एलिमेंट होते हैं डीप ब्लॉक, जो नीचे वाले तत्व होते हैं उनकी उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। तो उसमें भी जो ऑस्मियम हो गया, रूथियम, आरयू हो गया, ये जनरली क्या होते हैं? +8 तक भी चले जाते हैं, Mn बेचारा +7 तक ही जाता है। तो नीचे वाला हायर में स्टेबल भी होते हैं, बहुत हायर तक भी जा सकते हैं। तो ऑस्मियम +8 इजीली चला जाता है, तो अपने को हाईएस्ट जो है Mn है तो +7 तक जा रहा है, ये +6 तक जा रहा है, ये +3 तक जा रहा है हाईएस्ट, लेकिन ऑस्मियम +8 तक हाईएस्ट चला जाता है। तो मैक्सिमम शो करता है ऑस्मियम, तो आंसर जाएगा 9th का फर्स्ट। चलो नेक्स्ट डील करते हैं 10th क्वेश्चन। ये बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एम्फोटेरिक, निम्न में से कौन सा यौगिक उभयधर्मी है? उभयधर्मी का मतलब ये होता है कि जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता हो, उन दोनों के साथ अभिक्रिया करे, तो उसको अपन बोलते हैं उभयधर्मी। तो ऑक्साइड जो उभयधर्मी है, हालांकि इस बात की भी डिपेंडेंसी है, चाहे ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो, हालांकि इन्होंने एम्फोटेरिक बोला, नीचे हाइड्रोक्साइड दे रखे हैं। तो बेसिकली चाहे ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो, जो कम ऑक्सीकरण अवस्था होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बढ़ते बढ़ते एक ऐसी ऑक्सीकरण अवस्था आती है जहाँ पर उभयधर्मी प्रकृति आ जाती है, और उससे ज़्यादा जब ऑक्सीकरण अवस्था आती है तो वो एसिडिक नेचर में, अम्लीय प्रकृति में चले जाते हैं। हालांकि अपने को पता होना चाहिए, वो NCERT बड़े क्लियरली लिख रखे हैं किन के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड किस नेचर के हैं। तो क्रोमियम जो है पहला ऑप्शन Cr+2 दे रखा है, तो Cr+2 एक्चुअली बेसिक नेचर का होता है, जबकि Cr+3 जो होता है उभयधर्मी होता है, चाहे CrOH3 की बात कर लो या Cr2O3 की बात कर लो, दोनों एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो आंसर इसमें जाएगा उभयधर्मी के लिए 3rd। क्लियर? तो 10th का आंसर जाता है 3rd, उभयधर्मी प्रकृति का कौन है। नेक्स्ट अपन डील करते हैं CrO3 डिजोल्व इन एक्वस सॉल्यूशन NaOH2 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब CrO3 क्रोमियम का एक ऑक्साइड जिसमें क्रोमियम +6 ऑक्सीकरण अवस्था में है, और जैसे ही क्रोमियम को अपन +6 ऑक्सीकरण अवस्था में एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस चाहे एसिडिक चाहे बेसिक है, इसमें डिजोल्व करते हैं, तो ये +6 ऑक्सीकरण अवस्था में दो आयन फॉर्म करता है, एक तो होता है क्रोमेट आयन जबकि दूसरा होता है डाइक्रोमेट आयन। अब ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल स्टेट होती है, मतलब आपस में साम्य पर बोल सकते हैं, और जो दो फॉर्म्स होती है, एक तो होता है Cr2O7-2 और दूसरा होता है Cr4-2, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट और इसको बोलते हैं क्रोमेट आयन। ओके, दोनों में क्रोमियम +6 में है, इसमें भी क्रोमियम +6 ऑक्सीकरण अवस्था में ही है और इसमें भी क्रोमियम +6 ऑक्सीकरण अवस्था में ही है।
अब खास बात क्या है कि ये एक्चुअली जो चेंज होते हैं, यदि आप एसिडिक मीडियम करोगे, यदि एसिडिक मीडियम करोगे तो डाइक्रोमेटाइन फॉर्म होगा, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम स्टेबल होता है। यदि एसिडिक मीडियम की तरफ जाओगे तो डाइक्रोमेटाइन बन जाएगा, और यदि बेसिक मीडियम की तरफ जाओगे तो क्रोमेटाइन फॉर्म हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने NaOH बोला है, बेसिक मीडियम की बात की है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमेटाइन में, क्रोमेटाइन में। तो क्रोमेटाइन CrO4-2, और आंसर विल बी फर्स्ट, CrO4-2 क्रोमेटाइन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो 11th का आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन में बोला है द करेक्ट फॉर्मूला फॉर पर मैग्निक एसिड। अपन लोग सब पढ़ते हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट है ना, KMnO4, ये पोटेशियम पर मैग्नेट का अपन लोगों ने सबने फॉर्मूला लिखा भी है, काम में भी लिया है, इसको फॉर्मेशन, इसका निर्माण सब कुछ सीखा है। तो ये जो बनता है एक्चुअली ये एक सॉल्ट है, एक पोटेशियम जो सॉल्ट है, इसको पोटेशियम लवण बोल सकते हैं, जो कि KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HMnO4 पर मैग्निक अम्ल के उदासीनीकरण से बनता है एक्चुअली ये एसिड। और पर मैग्निक एसिड भी Mn2O7 से जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उससे बनता है, हालांकि वो एक्स्ट्रा बात है अपने लिए। तो HMnO4 जो होता है उसी को अपन पर मैग्निक अम्ल बोलते हैं, तो इसमें HMnO4 विल बी करेक्ट आंसर, अपना पर मैग्निक अम्ल होगा। ठीक है डियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं 13th के अंदर। 13 बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन, मतलब KMnO4 मतलब किस मीडियम में बात कर सकते हैं, किस माध्यम में ऑक्सीकारक का तरह कार्य करता है। अपने को पता है कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो तीनों मीडियम में, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी। इवन मैंने ये भी बताया था कि अब ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है तो खुद रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है तो खुद रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस होकर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगी अपन ने डील कर लिया, वो भी अपन ने सीख लिया। ओके डियर, तो ये तीनों मीडियम में काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। एसिडिक मीडियम ओनली नहीं, न्यूट्रल एंड एसिड नहीं, न्यूट्रल एंड एल्कलाइन नहीं, न्यूट्रल, एसिडिक एंड एल्कलाइन ऑल, मतलब तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, उदासीन में भी, अम्लीय में भी और क्षारीय में भी काम करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एंड ऑक्सीकारक की तरह। ओके डियर, चलो नेक्स्ट 14 क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, क्वेश्चन ऑफ द बेसिक करेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड फॉलोज द ऑर्डर, मतलब किस क्रम के अकॉर्डिंग है, मतलब इनका जो क्षारीय है, जो मोनोऑक्साइड है, उनके क्षारी प्रकृति का क्रम क्या होता है, बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या हो, एक सिंपल सा ट्रेंड लिखाया जाता है जब अपन लोग पीरियोडिक टेबल सीखते हैं या फिर अपन डी ब्लॉक में चर्चा करते हैं, चाहे डी ब्लॉक एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी बात करें तो लेफ्ट टू राइट जैसे मूव करते हैं तो इन ऑक्साइड्स की एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इन ऑक्साइड्स की एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है और बेसिक नेचर एक्चुअली डिक्रीज होती है। तो सिंपल सा है, यही कंसेप्ट अपन लगाएंगे, एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है और उनके ऑक्साइड्स की नेचर लेफ्ट टू राइट जाने पर अपने को पता है कि इंक्रीज होगी और बेसिक नेचर डिक्रीज होगी। तो एलिमेंट इसमें क्रोमियम है और वेनेडियम है, टाइटेनियम है और आयरन है। तो मैंने बताया यदि एसिडिक नेचर की बात करते हैं तो इस तरह का ऑर्डर आता है, और यदि बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं इनके ऑक्साइड्स की तो ये ऑर्डर आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा टाइटेनियम का ऑक्साइड, उसके बाद वेनेडियम का ऑक्साइड, उसके बाद क्रोमियम का ऑक्साइड और इसके बाद Fe, ये बेसिक। जितना ज्यादा लेफ्ट में होगा उतना ज्यादा बेसिक नेचर, आपको पता ही है, एस ब्लॉक वाले बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं जबकि पी ब्लॉक वाले एसिडिक नेचर के होते हैं। तो टाइटेनियम वाला, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम एंड फिर आयरन, आंसर जाता है 14 का थर्ड। सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत प्यार लॉजिक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 विच इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है। तो आपको पता हो तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, जिंक, कैडमियम और HG को। जिंक, कैडमियम और HG को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो डेफिनेशन है उसको फॉलो नहीं करता, उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं, उसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग अपन बताते हैं, जिसके पेनल्टीमेट सेल में, उपांत्य कोष में N-1D कंप्लीटली फिल्ड ना हो, जिसमें इनकम्प्लीट बोलना चाहिए मेरे को, इसमें N-1D जो सबसेल है वो अपूर्ण हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। और अपने को पता है कि जिंक जो होता है, चाहे उसके, चाहे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में बात कर सकते हो, चाहे उसके ग्राउंड स्टेट में बात कर सकते हो, जिंक न्यूट्रल या ग्राउंड स्टेट में जब होता है तब भी D10 होता है, और अपने ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टेबल फॉर्म में होती है जिंक प्लस टू, तब भी D10 ही होता है। तो इन दोनों केस में अपन देख सकते हैं कि डी जो है वो इनकम्प्लीट नहीं है, फुल्ली फील्ड है। जब डी इनकम्प्लीट होता तो ट्रांजिशन बोलते हैं, तो इसका मतलब नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जिंक, कैडमियम, एज। तो आंसर विल बी थर्ड। ओके डियर, चलो सिंपल सा क्वेश्चन।
नेक्स्ट 16 क्वेश्चन पे आते हैं। 16 क्वेश्चन बहुत आसान है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आई माइनस विद एमएनओ फोर माइनस इन एल्कलाइन, मतलब क्षारीय माध्यम में जब अपन आई माइनस को के एमएनओ फोर से ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बच्चे एक गलती भी करते हैं, बात करते हैं क्या, एमएनओ फोर माइनस जब भी आई माइनस के साथ रिएक्शन करता है, उसके रिएक्ट करता है, तो नो डाउट खुद अपने को पता है एल्कलाइन मीडियम है और खुद एमएनओ टू या फिर एमएनओ फोर माइनस टू में जाएगा, वो डाइल्यूट है उस पर डिपेंड करता है, पर अपन मेन मुद्दा है आई माइनस किस में जाएगा बेसिक मीडियम में, तो एमएनओ फोर माइनस को ऑक्सीडाइज करता है और वो जाता है आई टू में। लेकिन क्योंकि बेसिक मीडियम होता है तो आई टू जो होता है, चाहे आई टू हो चाहे बी आर टू हो चाहे सी एल टू, ये बेसिक मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, विषमानुपातित हो जाते हैं, तो इससे क्या बनता है बेसिक मीडियम में आई माइनस एंड आई ओ थ्री माइनस, मतलब अपना फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आई ओ थ्री माइनस, क्योंकि जिस रेशियो में बनता है तो ये वापस रिएक्टेंट के फॉर्म में आ जाता है और एज ए फाइनल प्रोडक्ट अपना क्या आ जाता है आई ओ थ्री माइनस। तो इसका मतलब जब भी आई माइनस को आप ऑक्सीडाइज करो, यदि एसिडिक मीडियम होता तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन शायद नहीं होता, ये विषमानुपातन शायद नहीं होता, तो उस केस में आपका फाइनल प्रोडक्ट जो रहता वो आई टू ही रहता, लेकिन बेसिक मीडियम में इसके विषमानुपातन कारण अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आई ओ थ्री माइनस रह जाता है। तो अपना आंसर जो है वो आई ओ थ्री माइनस रहेगा, फर्स्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन भी सिंपल सा है। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड, कौन अच्छा प्रबल लुईस अम्ल होगा। सिंपल सी बात है, प्रबल लुईस अम्ल वो होते हैं, या पहले लुईस अम्ल कौन होते हैं, जो लोन पेयर लेते हैं और जिसकी लोन पेयर लेने की टेंडेंसी, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, जो एकाकी अम्ल लेते हैं, वो लुईस अम्ल होते हैं, और जिसकी ये टेंडेंसी, जिसकी ये नेचर ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा ये प्रवृत्ति होगी वो उतना ही अच्छा क्या होगा लुईस एसिड होगा, उतना ही प्रबल लुईस अम्ल होगा। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी न्यूट्रल है, एक प्लस वन है, एक प्लस टू, एक प्लस थ्री है, तो लोन पर रहने की टेंडेंसी जब ज़रा जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, जितना ज़्यादा कैटायनिक चार्ज होगा, उसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, तो और आंसर विल बी सेकेंड एफ ई प्लस थ्री। ओके डियर, सिंपल सा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 18th क्वेश्चन की। 18th क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन H2O2 इज एडेड टू एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7, मतलब यदि H2O2 K2Cr2O7 में रखा जाए तो क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक स्पेसिफिक रिएक्शन है जो काफी जगहों पर काम में भी आती है, डी ब्लॉक में भी आती है, उसके अलावा एक दो जगह पर और देखी जाती है रिएक्शन। ये H2O2 जो हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ाया जाता है उसमें भी H2O2 केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन लिखवाई जाती है, दो तीन जगहों पर और नहीं, एक दो जगह लिखवाई जाती है रिएक्शन। तो H2O2 जब भी K2Cr2O7 के साथ जाता है, बड़ी स्पेसिफिक रिएक्शन है, K2Cr2O7 प्लस H2O2, क्योंकि इससे बनने वाला जो कंपाउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपने कोर्स में है, रेडॉक्स में भी इस कंपाउंड को दे रखा है, तो इसमें क्या बनता है फाइनल प्रोडक्ट CrO5। क्या बनता है CrO5, जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई कंपाउंड बोलते हैं, बटरफ्लाई टाइप इसकी स्ट्रक्चर होती है, जहां क्रोमियम प्लस सिक्स में ही है, अभी भी क्रोमियम प्लस सिक्स में ही है। तो अब इसमें देखोगे Cr कुछ इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, बटरफ्लाई जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, आंखें नहीं बन रही की बटरफ्लाई की है। येलो, अब ठीक है, तो बटरफ्लाई टाइप की स्ट्रक्चर दिखी ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो ये जो कंपाउंड बनता है फाइनली ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, तो ये स्पेसिफिक रिएक्शन है, तो इसने देखा द सॉल्यूशन टर्न्स टू ग्रीन, नहीं ब्लू कलर का बनता है, सॉल्यूशन टर्न्स येलो, नहीं ब्लू कलर का बनता है, ए डीप ब्लू कलर, बिल्कुल बिल्कुल ब्लू वायलेट कलर का बनता है, और कंपाउंड देख लो CrO5 ही है ये, बिल्कुल सही है, बटरफ्लाई कंपाउंड अपना स्ट्रक्चर है, अपने कोर्स में NCERT दे रखा है सब कुछ, इसके बारे में चर्चा है, कितने ऑक्सीजन परोक्सी है, कितने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट किया है, और इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है। ओके डियर, चलो नेक्स्ट डील करते हैं 18th क्वेश्चन, तो इसमें आंसर अपना थर्ड जा रहा है। ओके डियर, चलो नेक्स्ट 18th क्वेश्चन में चलते हैं। व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH एंड KClO3 ए कलर्ड कंपाउंड इज फॉर्म्ड, द प्रोडक्ट एंड इट्स कलर इज, मतलब जब भी MnO2 को पायरोलुसाइड बोलते हैं, MnO2 को उसको KOH और KClO3 की उपस्थिति में अभिकृत करवाते हैं, संगलित करके अभिकृत करवाते हैं, मोल्टन फ्यूज्ड बोलते हैं इसको, तो उस स्थिति में क्या उत्पाद बनेगा और क्या उसका रंग होगा। तो अपने को पता है कि जब KMnO4 प्रिपेयर किया जाता है, जब KMnO4 का निर्माण किया जाता है, तो उसमें दो स्टेप में काम होता है, क्योंकि MnO2 में Mn जो है
पायरोलुसाइट मेम्ब्रेन प्लस फोर में है, इसको पहले प्लस फोर से प्लस सिक्स में लेके जाया जाता है और प्लस सिक्स से इसको प्लस सेवन में जाते हैं। तो ये दो स्टेप में काम होता है। तो पहला जो स्टेप होता है प्लस फोर से प्लस सिक्स में ले जाने वाला, वो स्टेप इन्होंने दिया है। तो बेसिकली इसमें एमएन ओ टू और केओएच बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में है। और वैसे भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेसिक मीडियम में किसमें जाता है, ये बनता है के टू एम एन ओ फोर बोल सकते हैं, और या फिर एम एन ओ फोर माइनस टू बनता है मैग्नेटाइन। एक होता है पर मैग्नेट, एम एन ओ फोर माइनस होता है, ये एम एन ओ फोर माइनस टू है, तो इसमें मैग्नेटाइन बनता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो आर आंसर विल बी फर्स्ट। अब इसको आगे आप ऑक्सीडाइज करते हो, फर्दर इलेक्ट्रोलाइटिक से कर लो, जैसा भी ऑक्सीडेशन करना चाहते हो, इससे वापस के टू एम एन ओ फोर के एम एन ओ फोर में कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक मीडियम में। चलो तो इसका आंसर फर्स्ट हो रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू द एक्टिनोइड सीरीज। अब ये सिंपल सा आएगा दीदी, आपको एफ लोग याद है, बड़ा ही सिंपल से हो जाएगा, नहीं याद तो दिक्कत है। तो इसमें जो एलिमेंट है यट्रियम अपन देखते ही हैं, यट्रियम डी ब्लॉक में है, टेल्टियम भी डी ब्लॉक में, जस्ट यट्रियम के जस्ट बाद, लेंथेनम के जस्ट बाद आते हैं, तीन पोजीशन बाद ही होता है। यूरेनियम एफ ब्लॉक एलिमेंट है और यूरेनियम खुद एक्टिनोइड्स में होता है, और लेंथेनम भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, फर्स्ट उसके बाद में लेंथेनोइड्स आते हैं सीरियम वगैरह। तो इसमें जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट ही एक दे रखा है, तो सॉरी एफ ब्लॉक का एलिमेंट एक ही दे रखा है, दैट इज यूरेनियम। तो आर आंसर विल बी यूरेनियम, थर्ड आंसर। ओके डियर, तो 20 में आंसर जाएगा तीसरा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 21वें क्वेश्चन में, वन ऑफ द विच वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मन, हाँ मतलब जर्मन सिल्वर का एक संघटक है, कौन सा जर्मन सिल्वर का संघटक है, मतलब उस कौन सा कंपोनेंट है। वैसे इसका नाम जर्मन सिल्वर क्यों रखा गया, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में एक दो बार पूछा हुआ है नीट में, या नीट पे तो एआईपीएमटी में। एक्चुअली जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं होता, फिर भी इसको अपने सिल्वर नाम क्यों देते हैं, जर्मन सिल्वर क्यों बोलते हैं। एक्चुअली ये ऐसा जो अपने बोलना अलॉय मिश्र धातु है, जो एकदम सिल्वर चांदी जैसे दिखता है, एग्जैक्ट चांदी जैसा दिख रहा होता है ये, इसके बर्तन वगैरह बनते हैं। और इसमें प्रेजेंट क्या होता है, मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट किसका मूलभूत कौन होता है इसमें, निकल होता है, कॉपर होता है और जिंक होता है, मेनली ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से क्योंकि सिल्वर की तरह दिखता है, इसका जर्मन सिल्वर नाम दे दिया गया। और क्योंकि इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है निकल है, कॉपर है, जिंक, तो उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जाएगा, निकल कॉपर जिंक में जो भी ऑप्शन मिलेगा, तो अपने को सेकेंड कॉपर मिल गया, ठीक है। तो एजी खुद नहीं होते, कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया एजी, है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं 21वें में क्या आ गया सेकंड। नेक्स्ट डील करते हैं डियर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि सिंपल सा है, विच ऑफ डिजोल्विंग हॉट एंड कंसंट्रेटेड एनर्ज, मतलब गर्म और सांद्रित एनर्ज में कौन डिजोल्व हो जाएगा। वैसे भी मेटल्स जो होती है वो खुद बेसिक नेचर की होती है, खुद क्षारीय प्रकृति की होती है, तो बेस के अंदर डिजोल्व तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मेटल एम्फोटेरिक नेचर की होती है, जो उभयधर्मी प्रकृति की होती है, वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेगी, मतलब बेस के अंदर केवल वही मेटल डिजोल्व होना चाहेंगे जो खुद एम्फोटेरिक नेचर की होती है, और एम्फोटेरिक मेटल इसमें शायद एक ही दे रखी है, जिंक। तो आंसर विल बी जेड, और जिंक एलुमिनेट बनता है इसमें, सॉरी सोडियम जिंकेट इसमें बनता है। ओके डियर, तो आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट अपन बात, सिंपल से क्वेश्चन एनसीईआरटी रिलेटेड 23 क्वेश्चन, नेक्स्ट है हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Ni+2। Ni+2 अपन ने देखा ही था कि 3d8 कॉन्फिग्रेशन होता है, सॉरी Ni+2 में 3d8 कॉन्फिग्रेशन, तो आर्गन 4s0 एंड 3d8, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन किस तरह से आ जाएगा बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट आते हैं 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है ना, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। एक बार सोचो, यदि प्लस थ्री में नहीं होता तो क्या इसका, ये देखना आपको, या फिर ऐसे देख लो अभी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये चेक कर लेते हैं, ये भी आसान तरीका है, 18 ऑर्गन तक के हो गए, 18 फिर 5 और ऐड कर दो, 23 नंबर पे आ गया। और यदि वो तीन इलेक्ट्रॉन नहीं होते बाय चांस, नहीं है, तो 23 आ रहा है इसका एटॉमिक नंबर, या 23
एटॉमिक नंबर नहीं बोलना चाहिए, 23 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके अंदर, और वो इलेक्ट्रॉन यदि वापस इसको दे दिया जाए जो रिलीज कर रखे हैं तो 26 नंबर पे आ जाएगा। तो ये 26 वापस इसको चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो सिंपली, जैसे एक्स एलिमेंट जो भी है वो प्लस 3 में जाएगा, वो आयरन ही होगा ऑब्वियस सी बात है, 3D5 प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कम से कम तीसरी चौथी बार काम में आ रहा है, तो 26 नंबर पे आएगा आयरन ही एलिमेंट, क्योंकि आयरन 26 होता है, उससे 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद 23 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ओके डियर, चलो तो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टीशियल कंपाउंड, मतलब इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स के लिए कौन सा गुण सही नहीं है, ये एक बच्चे ध्यान रखे कि गलती क्या करते हैं, कि सही नहीं या सही है तो नहीं पूछा गया है ना। और वैसे ऑप्शन से काफी तगड़ी लग जाता है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल, बिल्कुल सही बात है, जो इंटरस्टीशियल जो अंतर्गासी जो यौगिक बनते हैं उनका काफ़ी हार्डनेस भी बढ़ जाती है और उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन उनका कंडक्टिविटी जो रहती है वो मेंटेन रहती है, मतलब कंडक्टिंग नेचर जो मेटलिक कंडक्टर होते हैं वैसे ही रहते हैं। तो अपन बात करते हैं, दे आर वेरी हार्ड, ठीक है, दे आर मेटलिक इंसुलेटर, नहीं इंसुलेटर नहीं, वो कंडक्टर मेंटेन रहते हैं, वो कुचालक नहीं होते हैं, चालक मेंटेन रहती है अपनी, इनकरेक्ट, मतलब कौन सा सही नहीं है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके डियर, चलो सिंपल सिंपल से एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं, बहुत प्यारे प्यारे। नेक्स्ट 26 पे आते हैं, द करेक्ट ज्योमेट्री फॉर पर मैग्नेट आयन इज, पहले बात करते हैं पर मैग्नेट आयन होता क्या है, तो जो KMnO4 होता है पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, और पर मैग्नेट आयन क्या हो जाएगा, MnO4 माइनस होगा वो पर मैग्नेट आयन हो जाएगा। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बड़ी प्यार से NCERT में लिखी इसकी स्ट्रक्चर, Mn है ऑक्सीजन, एक पे O माइनस आ जाएगा, फिर बचे हुए 3 डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये जो स्ट्रक्चर ये इसकी एक्चुअली इसमें रेजोनेंस की कंडीशन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना सकते हैं इसका, तो Mn O फिर O फिर O फिर O, इसमें रेजोनेटिंग हाइब्रिड कुछ इस तरह से बनेगा, और इसमें जो स्ट्रक्चर जो बनती है -1/4 सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज, तो इसमें स्ट्रक्चर बनती है टेट्राहाइड्रोन, बिल्कुल NCERT में साफ ही स्ट्रक्चर दे रही है, उसके नीचे लिखा रखा है टेट्राहाइड्रोन फॉर्म में होता है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है। ओके डियर, तो चतुष्फल की इसकी संरचना, सेकेंड आंसर विल बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 27 के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा उभयधर्मी होता है, तो उभयधर्मी चाहे हाइड्रोक्साइड हो चाहे ऑक्साइड हो, तुम्हें याद होगा तभी आंसर आएगा, और NCERT बहुत प्यार से लिखा हुआ इन सब चीज़ों को। तो बात करते हैं कौन सा उभयधर्मी प्रकृति का होगा, MnO2 एसिडिक नेचर का होता है, उभयधर्मी नहीं होता, ये भी एसिडिक नेचर का होता है, पहला उभयधर्मी ये Cr2O3, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, CrO क्षारीय प्रकृति का होता है, V2O5 उभयधर्मी प्रकृति का होता है, और V2O4 लेस बेसिक इन नेचर, मतलब इसमें NCERT में लिखा हुआ है, एकदम एग्जैक्ट लाइन बता रहा हूँ NCERT में, V2O5 रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ, दोनों के लिए रिएक्टिविटी शो करता है, लेकिन V2O4 जो है वो एसिड से रिएक्टिविटी शो करता है, बहुत वीक बेसिक नेचर का होता है, तो इसको उभयधर्मी अपन काउंट नहीं करेंगे, तो उभयधर्मी में दो आ रहे हैं और उनका दोनों का पेयर पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट, 27 फर्स्ट आंसर सही होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 28th, गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4F सीरीज, ओके, इट्स एटॉमिक नंबर इज 64, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन फॉर गैडोलिनियम, मतलब गैडोलिनियम 4F का सब कुछ दे तो दिया, बस थोड़ा सोचना है, इसमें दिमाग थोड़ा सा लगाना है, ठीक है, तो गैडोलिनियम कितने पे होता है, 64 पे होता है, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कौन सा सही, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा सही है, तो F ब्लॉक का जवाब देखोगे ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, दो या तीन जन ऐसे हैं जिसमें डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, अदरवाइज डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, डी के इलेक्ट्रॉन छीन लेता है एफ वाला, और जिसमें गैडोलिनियम एक होता है, कारण क्या है कि गैडोलिनियम में F7 कॉन्फिग्रेशन बनता है, और इसमें लड़ाई कभी ये नहीं होती कि 3 आएगा 4 आएगा 5, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की लड़ाई नहीं होती, लड़ाई होता है एफ में कौन सा इलेक्ट्रॉन आए कितने आएगा और डी में कितने हैं, मेनली एस में भी 2 रहते ही रहते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहते ही रहते हैं, तो आप देखोगे कि F7 इसलिए होता है क्योंकि इसका हाफ फील्ड कॉन्फिग्रेशन होता है, अदरवाइज सब में D0 ही होता है, तो मेरे को F7 पे जाना है, और क्योंकि आप सबको पता है कि जो गैडोलिनियम है या जो एफ सीरीज है N=6 पीरियड में आता है, N=6 में 6s भरा जाता है और 5d भरा जाता है, 4f भरा जाता है और फिर 6p की बारी आती है, लेकिन 5d में एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, उसके बाद 6s2 आएगा और फिर 4f की बारी आएगी, और आप सबको पता है कि जस्ट इससे पहले जो इनर्ट गैस होती है क्री गैस होती है 54 नंबर वाली होती है, 54 फिर 55 56 यहाँ जाएगा फिर 57 यहाँ जाएगा, 58 अपने पता ही स्टार्ट होता है,
तो 58 से स्टार्ट करना है, 64 तक चलना है, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 58, 59, 60, 61, 62, 63 एंड 64. तो 64 पर गैडोलिनियम है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एफ के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, तो एफ के अंदर हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन. बाई चांस देखो मैं काम तरीके से कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इससे जस्ट पहले 6s से जस्ट पहले जो इनर्ट गैस आती है वो 54 नंबर पे होती है. S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 एटॉमिक नंबर और इंक्रीज हुआ, फिर D के अंदर एक लेंथेनम आ गया 57, 58 सब स्टार्ट होता है, F की बारी आती है. और आपको यदि एटॉमिक नंबर पता है तो 58 से स्टार्ट हो, जहां तक चलना है वहां तक चलो. और बस इतना सा ध्यान रखो, मैं जो ट्रिक लेके चलता हूं, बस इतना सा ध्यान रखो कि जहां D7 बन रहा है उस केस में यदि D0 रखना पड़ा है D0 रख दो, और D1 रखना पड़ा है D1 रख दो. F में यदि 7 की पॉसिबिलिटी बन रही है, F में 14 की पॉसिबिलिटी बनती है. और आप सब लोग देखोगे कि गैडोलिनियम जीडी के अंदर आप देखने को मिलता है जिसमें F7 वाला कॉन्फ़िगरेशन बनता है, या फिर लास्ट में एक जगह बनता है F14 वाला कॉन्फ़िगरेशन. मतलब मैं इतना सा कहना चाहता हूँ, D1 सिर्फ 3 ही जगह मिलता है और कहीं नहीं मिलता लैंथोनाइड्स के अंदर, तो जिसमें से गैडोलिनियम होता है स्पेशल केस, क्योंकि F7 कॉन्फ़िगरेशन बनाना होता है, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, अर्थ पूरी स्थायी विन्यास होने के कारण. ठीक है डियर, अच्छा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स ये पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एग्जाम में. When acidified K2Cr2 solution is added to SN+2 salt, then SN+2 changes to, मतलब जब अम्लीकृत acidified K2Cr2 से no doubt oxidizing agent है, oxykarak है, और SN3 को oxykrt करेगा तो +2 से यदि ये oxykrt होता है +4 oxidation state में ही जाएगा. +2 या +4 दो ही तरीके oxidation state मिलती है, नहीं oxidize करेगा तो इसमें वैसे ऑप्शन भी आप देखो ना, +2 से प्लस या 3 हो सकता है +4, तो इसमें stable कौन सा होता है +3 और +4 में, +4 stable होता है, तो आर करेक्ट आंसर विल बी +4. तो इसका आंसर आता है थर्ड, SN+4. ओके डियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं 30th नंबर क्वेश्चन. ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है. फिर से बोल रहा हूँ कि बच्चे इसमें गलती करते हैं, नॉट करेक्ट या करेक्ट में, तो विच इज नॉट करेक्ट. तो इसमें बोल रहा है कि कॉपर लिबरेट हाइड्रोजन फॉर्म एसिड, तो सिंपल सी बात है, कॉपर एसिड के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देता, तो पहला इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गया अपने पास. क्योंकि कॉपर जब भी रिएक्ट करता है तो वो एसिड नहीं देता, क्योंकि वो ECS में हाइड्रोजन से नीचे है, और केवल एसिड से रिएक्शन करने पर एक जनरल स्टेटमेंट दिया जाता है. हालांकि सारी मेटल्स में वैसे भी डिपेंडेंसी होती है, तो जो ECS में हाइड्रोजन से ऊपर आता है जनरली वो एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज करते हैं. ओके डियर, चलो नेक्स्ट बात करते हैं. तो इसका आंसर फर्स्ट यूज़र इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट या गलत है. ठीक है डियर, चलो नेक्स्ट डील करते हैं 30 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट आयनिक रेडियस. देखो इसमें भी अपने को रेडियस याद करने की जरूरत नहीं है, कौन सी सबसे छोटी रेडियस है, कब सबसे कम आयन की रेडियस है. तो इसमें जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन, एक जनरल आइडिया लगाना है, ऐसे याद नहीं करके जा सकते हम सारी रेडियस. तो जनरल आइडिया बोलता है कि जैसे जैसे लेंथ ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन के कारण, जो संक्रमण संकुचन के कारण लेफ्ट टू राइट जाते हैं रेडियस घटती है, तो सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट आप देख लो, जो सबसे राइट में आता है तो सबसे राइट मोस्ट कोबाल्ट हो गया, तो रेडियस सबसे जो कम है और कोबाल्ट की होगी. ओके डियर, तो फोर्थ आंसर विल बी करेक्ट. 32 क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज प्रेजेंट इन ब्रोंज. तो ऑब्वियस ही बात है कि ब्रोंज के अंदर कॉपर ही प्रेजेंट होता है. ये वो चीज़ें तुम्हें याद होगी तो आंसर तुरंत आएगा, याद नहीं है तो दिक्कत आएगी. सिंपल सा अलॉय है ब्रोंज. नेक्स्ट बात करते हैं 33 बोल रहा है कि विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. अच्छा क्वेश्चन है. आपको बताओ तो कॉम्प्लेक्स जब भी बनाते हैं डी ब्लॉक के, उसकी कुछ खास शर्तें होती है इसलिए वो कॉम्प्लेक्स बनाता है. उसकी क्या शर्तें हैं वो नहीं पूछा, क्या नहीं है. तो शर्तें बड़ी प्यार से NCERT में लिखी हुई है. एक, उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, उन पर कैटायनिक चार्ज, इसलिए चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है. उसमें फ्री डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि लोन पे रखे जा सके उसमें जो भी लिगेंड है उनके द्वारा. और उनकी खास बात एक और होती है, यदि फ्री ऑर्बिटल लोन पे रख रहे हैं और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हुई तभी तो लोन पे रखे, और चार्ज डेंसिटी क्यों ज़्यादा, उनका साइज छोटा, इनमें क्या अपन लिख सकते हैं छोटा आकार. बिल्कुल सही, ये सही कंडीशन है स्मॉल साइज, तो ये होनी चाहिए, वैकेंट ईयर होनी चाहिए, हाई न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए. तो क्या नहीं होना चाहिए वो देख लेते हैं. लास्ट वही बचा है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था इसका कारण नहीं है. और वैसे भी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था बहुत अच्छा फैक्ट है, लेकिन वो कैटालिटिक नेचर जो होती है, जो अपन बोलते हैं कि उत्प्रेरक की गुण के अंदर काम में आती है बेसिकली. ओके डियर, तो इसने पूछा नहीं रिक्वायर्ड, तो फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर. ओके डियर, चलो नेक्स्ट बात करते हैं 34 में. 34, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन सो हायर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट. तो सिंपल सी बात है कि आपको वही देखना है, स्पिन ऑन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट.
वैसे अपन डीप लोक के लिए चक्रण ही देखते हैं, जो चक्रण द्विध्रुव आघूर्ण होता है, सॉरी चक्रण चुंबकीय आघूर्ण होता है, उसी को अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट वो क्वेंच हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है आउटर से, क्योंकि डी ऑर्बिटल थोड़ा आउटर प्रोजेक्टेड होते हैं। तो जो एन वाला फॉर्मूला अपन लगाते हैं वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ही है, जो रूट में एन इंटू एन प्लस टू। तो आपको सिंपल सा देखना है कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसमें सबसे ज़्यादा आएगा टाइटेनियम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, एम एन प्लस टू में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसने पूछा है कि स्पिन ऑन मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू हाईएस्ट पूछा है ना, हायर, तो एम एन प्लस टू में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा। एफ ई में फिर भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जबकि सी ओ में भी 4 भी तो नहीं होंगे, क्लियर? तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, सेकेंड, इसमें हाइएस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 35 में, द आयरन ट्राइड ऑफ एलिमेंट, मतलब आयरन ट्राइड क्या होता है, फेकोनी, अपने सबको याद है ट्रिक, जो आयरन ट्राइड होता है एफ ई सी ओ एंड एन आई, तो कौन कौन है आयरन ट्राइड में, एफ ई सी ओ एन आई, फेकोनी, कोनी आ गया ना, सी ओ कोबाल्ट एंड निकल, सिंपल सी बात, ये भी लिख रखा है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट बात करते हैं 36 क्वेश्चन पे, एक सेकेंड, हाँ 36 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एक्वस सॉल्यूशन यू प्लस टू आयन एक्ट एज, हाँ ये यूरोपियम है और जो लैंथेनॉइड्स के अंदर है, और क्योंकि प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री होती है, अपने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, प्लस टू में इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करना चाहेगा ताकि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस तीन में आ जाए, क्योंकि अभी किसकी तरह व्यवहार कर, इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है, सामने वाले को अपचयित करना चाहता है, खुद ऑक्सीकृत होना चाहता है, सामने वाले को रिड्यूस अपचयित करना चाहता है, तो एक अपचायक की तरह सामने वाले को अपचयित कर रहा है ना, तो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ओनली। आगे बात समझ में, तो ये केवल और केवल किसकी तरह बिहेव करेगा, अपचायक की तरह, तो 36 में आंसर आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है 37, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ इनर ट्रांजिशन, हाँ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या है पहले ही पता होना चाहिए, तब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आंतरिक संक्रमण तत्व होते कौन से हैं, तो डी ब्लॉक को अपन बोलते हैं संक्रमण तत्व, जबकि एफ ब्लॉक को बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व, क्योंकि एक्चुअली डी ब्लॉक जो होता है उसके पीछे ही एफ ब्लॉक इस तरह से जुड़ा रहता है, इस तरह से एग्जैक्ट, एफ ब्लॉक इसके जस्ट थ्री डी में होता है, इस तरह से थ्री डी में पीछे की तरफ लगा रहता है, तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसको आंतरिक बोलते हैं, इनर बोलते थे ट्रांजिशन एलिमेंट, तो टोटल एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट होता है, तो करेक्ट आंसर विल बी 28। नेक्स्ट चलते हैं 38 की तरफ, ये भी सिंपल से क्वेश्चन है, मर्क्यूरियस आयन इज रिप्रेजेंटेड एज, मर्क्यूरियस आयन को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, तो सिंपल सी बात है, जो मर्क्यूरियस आयन है अस का मतलब वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है और कम वाली में है, और एक का मतलब पॉजिटिव में ज्यादा वाली है, तो मर्क्यूरी की कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन होती है, लेकिन वो प्लस वन किस फॉर्म में होती है, Hg2+2, जिसमें दोनों Hg जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं, प्लस वन में प्रेजेंट होते हैं, तो मर्क्यूरियस आयन इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एक्चुअली, तो आर करेक्ट आंसर विल बी 4th। नेक्स्ट बात करते हैं 39, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इन द ग्राउंड स्टेट एन एलिमेंट हैज 13 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एम सेल, एम सेल का मतलब क्या हो गया, मतलब आद्य अवस्था में इसके एम कोष में 13 इलेक्ट्रॉन है, तो वो तत्व कौन सा, एलिमेंट कौन सा अपने को जस्टिफाई करना है, ओके डियर, तो देखो ग्राउंड स्टेट में 13 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया के एल एम, के का मतलब एन बराबर 1, एल का एन बराबर 2, एम का एन बराबर 3, अब थर्ड के अंदर और ये एलिमेंट जो है एम थर्ड काम में आ रहा है, तो थर्ड में आपको बताया कि 3s होता है, 3p होता है और 3d भी होता है, अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 13 होने चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन 13, एक यहाँ हो सकता है, सॉरी यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं 3 के अंदर, सॉरी क्योंकि अपने को पता है कि अपने को 13 इलेक्ट्रॉन करने है, पहले 3s ही भरा जाएगा, ओके डियर, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो सकते हैं, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और रही बात डी की, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या हो सकते हैं, तो डी में यदि 8 इलेक्ट्रॉन यहां हो चुके हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन डी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन तभी पॉसिबल होंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन सॉरी प्लस 13 इलेक्ट्रॉन तभी पॉसिबल हो पाएंगे, 8+5=13, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन मेरे हिसाब से बनना चाहिए 3s2, 3p6 और 3d5, अब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दो देखने को मिलता है, दो जगहों पर देखने को मिलता है, ये क्रोमियम के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन होता है और मैग्नीज के लिए भी ये कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है अपने को, आप देखते हैं ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, आप कॉपर का नहीं, निकल का नहीं, आयरन का नहीं, लेकिन क्रोमियम, ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी क्रोमियम, यदि एमएन होता है उसमें वो भी करेक्ट जा सकता था, लेकिन एमएन ऑप्शन नहीं दिया है, अपने क्रोमियम ही दिया है, क्योंकि एक ही सही करना था। चलो तो नेक्स्ट 40 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, 40 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अलॉयड
विद कॉपर टू फॉर्म ब्रास. सिंपल सी बात है, जब जिंक को अलॉय किया जाता है, जिंक के साथ कॉपर का जो अलॉय बनता है उसको ब्रास यहाँ पर अपन बोलते हैं. पीतल पीले रंग का होता है इसलिए. तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, जेडन. ओके डियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं. 40 का आंसर थर्ड आ जाएगा. 41 पे चलते हैं डियर. 41 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इन्वॉल्व आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन. कौन सा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों के संख्या समान है. तो सिंपल सी बात, Mn 25 होते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुके हैं, 22 हो चुके हैं इसमें, 26 है, 24 है, नहीं. नेक्स्ट है 25 पे था, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो 23 बच गए हैं. और Fe 26 पे होता है, तीन इलेक्ट्रॉन रिलीज के दिए भी 23 है, तो दोनों में 23 इलेक्ट्रॉन. तो करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड. और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली नीट में, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं. देखो आपको एक्यूरेट करने हैं, सही करने ज़्यादा जरूरी है. ओके डियर, चलो नेक्स्ट बात करते हैं. 42 क्वेश्चन नंबर पे, Ki जब CuSO4 के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या सॉल्यूशन बनता है. डी ब्लो के एनसीईआरटी बहुत प्यारी रिएक्शन दे रखी है कि जब Cu(I2) या Cu+2 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ I- के साथ आता है तो एक्चुअली अपने उसमें एनसीईआरटी में लाइन लिखी रहती है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड के या ऑक्सीजन के साथ स्टेबल होती है, उनके साथ जाना चाहती है. जबकि यही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करें तो आयोडीन वगैरह के साथ नहीं जाना चाहती, इवन आयोडीन के साथ अपने हायर से लोअर में आ जाती है लोग. तो इसमें फिर रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है कि हायर में स्टेबल नहीं है, Cu(I2) एक तरह से स्टेबल नहीं होता, तो इसमें क्या बन जाता है प्रोडक्ट, Cu(I2) कॉपर +2 से +1 में आ जाता है. तो कॉपर ने जो इलेक्ट्रॉन लिया है वो आयोडीन से लिया हुआ है, तो आयोडीन -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है. और साथ में जो आयन है इसमें के प्लस काम में आ रहा था साथ में, और इसमें Cu2 वापस में कनेक्ट हो जाएंगे यदि पूरा एक पूरी कंप्लीट रिएक्शन लिखो. तो अपना मेन प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, Cu2I2 एंड I2. और एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें कॉपर +2 से कॉपर +1 में गया है और आयोडीन -1 से आयोडीन 0 में गया. हालांकि कुछ आयोडीन -1 में है लेकिन ओवरऑल अपना आयोडीन को ये जस्टिफाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए हैं तो इसी इलेक्ट्रॉन को लिया किसने, कॉपर ने, या कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिए तो वाई कहाँ से, आयोडीन के पास से ही आए होंगे. तो बहुत ही प्यारी रेडॉक्स रिएक्शन, इसका लॉजिक मैंने बताया क्यों होती है रिएक्शन नेचर में. चलो तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, Cu2I2 एंड I2 और साथ में आयंस भी आपस में मिक्स हो जाएंगे, थर्ड आंसर विल बी करेक्ट. ओके डियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं. 43 थोड़ी स्पीड बढ़ाई है क्योंकि थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं, सिंपल से समझ आएगा आपको ना. विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जो डीप लोग अपन बोलते हैं कि अपर एलिमेंट हायर में ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, थोड़ी देर पहले कंसेप्ट डील किया था मैंने, अपर वाले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं लोअर में रहना चाहते हैं और जो नीचे वाले हैं लोअर एलिमेंट, जो नीचे वाला एलिमेंट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है. तो इसका मतलब नीचे वाले जो एलिमेंट है हायर में स्टेबल, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करेंगे ना भाई साहब. जबकि ऊपर वाले क्या है, हायर में ऊपर जो एलिमेंट है वो हायर में स्टेबल नहीं है, तभी तो क्रोमियम +6 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तभी तो मैग्नीज +7 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने लग जाते हैं. तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा ऑक्सीकारक का कार्य करता है, तो ऊपर वाला हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए. तो ये तो नीचे वाला एलिमेंट Mn, मोलिब्डेनम या टंगस्टन, तो क्रोमियम यहाँ पर हाईएस्ट में नहीं +3 में, लेकिन ऊपर वाला जब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में तो स्टेबल नहीं है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं. ओके डियर, तो इसमें आंसर आ जाएगा फर्स्ट. नेक्स्ट 44th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम साइज. किसका साइज सेम है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो अपने थोड़ी देर पहले और डील किया था कि जो लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन जो इफेक्ट आता है वो किस पर आता है, जिरकोनियम एंड हाफ पीएम पे. तो जो साइज सेम होता है जिरकोनियम और हाफ पीएम का, ऑलमोस्ट साइज सेम होता है. और बच्चे को ये क्वेश्चन देने का लॉजिक क्या है कि एक्चुअली जो रेडियस इन जनरल बोल रहा हूँ, ऐसा ऑलवेज नहीं है, जो एटमिक रेडियस रहती है जनरली आयनिक रेडियस में भी ऐसा ही ट्रेंड रहता है. तो जिरकोनियम हाफ पीएम में आप नेचुरल फॉर्म में भी 1 पिकोमीटर का डिफरेंस होता है और +4 आयन फॉर्म में भी ऑलमोस्ट 1 पिकोमीटर का ही डिफरेंस होता है, जो कि नेग्लिजिबल मान सकते हैं अपन लोग, और इनका भी ऑलमोस्ट साइज सेम होता है. तो 44 का आंसर जाता है थर्ड. नेक्स्ट 45, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म बाइनरी कंपाउंड विद हैलोजन. ओके, बाइनरी कंपाउंड मतलब एक ट्रांजिशन मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल जो हैलोजन का होगा. उसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल फॉर्म MF3 टाइप कंपाउंड, मतलब जो संक्रमण धातु है हैलोजन उसके साथ द्विअंगी, मतलब दो जने है ना, और इसमें भी MF3, M यहाँ डी ब्लो का धातु है, तो कौन MF3 प्रकार का यौगिक बनाएगा. तो इसमें +3 ऑक्सीजन अवस्था का अपने को पता चल ही रहा है, तो यौगिक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होना चाहिए. तो क्रोमियम जो है वो +3 में होता ही है, तो आंसर तो वैसे क्रोमियम हो ही गया. आगे चेक कर लेते हैं, ये +2 में है, ये +2 में है, ये +2 में है, तो +3 का जो बनता है वो क्रोमियम ही बनाता है. तो आंसर विल बी फर्स्ट.
सी आर एफ थ्री. ओके डियर, नेक्स्ट है 46. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, हाँ अब सारे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज नहीं करती. तो आप सबको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज करने में कौन कौन गैस, ओजोन उसमें अंदर इंक्लूडेड है, उसके अंदर सी एच फोर इंक्लूडेड है, उसके अंदर एच टू वेपर सी ओ टू इंक्लूडेड है. तो अपने को चेक करना है कौन सा नहीं है. तो सी ओ नहीं है, पहली बात ये अपन ने तीनों बात कर ली थी, हाइड्रोकार्बन सी एच फोर तो होती है. चलो तो फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट. ये सीधी एनसीईआरटी की लाइन्स है, बहुत ही सिंपल सी एनसीईआरटी लाइन ली गई है. नेक्स्ट है फोटोकेमिकल स्मोक अकर इन वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट, मतलब जो रासायनिक प्रकाश रासायनिक धूमकेहू, ये जो फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है, धूमकेहू बोलते हैं इसको, धूमकेहू. तो ये जो स्मोक जो बनता है वो दो तरह के, एक तो ऑक्सीडाइजिंग होता है, एक रिड्यूसिंग होता है. रिड्यूसिंग जो बनता है वो ठंडी जगहों पर जहाँ मॉइस्चर होता है उनकी प्रेजेंस में बनता है. ऑक्सीडाइजिंग फोटो फोटो केमिकल बोलते हैं इसको, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है एक्चुअली, और जिसमें ऑक्सीडाइजिंग गैसेज जनरली O3 NO2 वगैरह प्रेजेंट होती है, और हाई कंसनट्रेटेड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि उसके अंदर SO2, और आप सबको पता है कि SO2 मॉइस्चर में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में आती है, क्लासिकल जिसको बोलते हैं रिड्यूसिंग स्मोक या फिर क्लासिकल स्मोक भी बोलते हैं. लेकिन अभी चर्चा हो रही है फोटोकेमिकल स्मोक, जो कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, और इसमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर. अब पूछ रहे हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन के बारे में. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड कौन नहीं है, ये पूछा जा रहा है इस स्मोक में ना, कौन सा प्रकाश रासायनिक धूमकेहू का घटक नहीं है. तो अभी बात की थी NO2 के अंदर प्रेजेंट होता है, O3 प्रेजेंट, इवन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें SO2 प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि SO2 जो है वो दूसरा जो वेराइटी क्लासिकल, जो दूसरा वेराइटी है क्लासिकल सामान्य, जिसको धूमकेहू बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं, जो औपचारिक प्रकृति का होता है, उसमें SO2 एक्चुअली प्रेजेंट होती है. ओके डियर, चलो तो और करेक्ट आंसर विल बी थर्ड. नेक्स्ट है 47. 47 क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्लासिकल स्मोक, जो दूसरी वेराइटी अपन ने चर्चा की थी, जो दो वेराइटी, एक ऑक्सीडाइजिंग था और दूसरा रिड्यूसिंग, अभी रिड्यूसिंग के बारे में चर्चा हो रही है, और वही पूछा जा रहा है कौन सा इनकरेक्ट है. ठीक है, इट्स मेन कंपोनेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ सनलाइट, नहीं आपको पता है कि ये जो सनलाइट से, सनलाइट से तो कौन सा बनता है, फोटोकेमिकल बनता है, तो इनकरेक्ट तो पहले ही हो गया. ठीक है, तो इसके बारे में बची हुई तीन सी इन्फॉर्मेशन सही है इसका मतलब, और सही इन्फॉर्मेशन वेदर कौन सा बनता है, ह्यूमिड होना चाहिए वहां पर, और रिड्यूसिंग नेचर का होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये तीन ही खास बातें उसे एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तीनों ऑप्शन आपके पास आ चुके हैं डियर. चलो नेक्स्ट चलते हैं 48 पे. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये यही बात बताता है कि वो उसमें भाई जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है वो कितनी ज्यादा है, और यदि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज ज्यादा होती है उसमें तो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, कम पड़ जाती है, किसके लिए, जो एक्वेटिक लाइव होती हो, जो जलीय जीव होते उनके लिए. तो सिंपल सी बात है कि इसका जो मेजरमेंट किया जाता है, अब BOD का जो वैल्यू 5 है और 5 PPM उससे कम है तो ठीक है, सफिशियंट ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और यदि 17 है उससे ज़्यादा तो हाईली पॉल्यूटेड है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्टेज मिलाया हुआ है, तो इसमें बहुत अच्छा ऑक्सीजन डिजॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं, जो मतलब प्योर एक तरह से कोई दिक्कत नहीं है पानी में, 5 उससे कम तो प्योर वाटर बोल सकते हैं उसको. ठीक है डियर, चलो 49 में आ जाएगा फर्स्ट. नेक्स्ट बात करते हैं 50 के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट फिर से गलत पूछा गया है. ओजोन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, जबकि अपन ने पढ़ा है कि ओजोन जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. तो सीधा सा पहला आंसर आ जाएगा, हालांकि और ऑप्शन पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. चलो ओजोन कैन ऑक्सीडाइज सल्फर, बिल्कुल SO2 गैस O3 में कन्वर्ट करती है. ओजोन होल इज थिनिंग ऑफ, बिल्कुल पतला, जहाँ ओजोन लेयर पतली होती जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कारण, तो उसको ओजोन होल अपन बोलते हैं कहीं कहीं से. और ओजोन इज प्रोड्यूस अपर एटमोस्फेयर, बिल्कुल बात है, सही बात है. और वो यूवी रे को, जो अपर जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है वहां पर ही बनता है, और वहां पर ये एक्चुअली यूवी रे को रोक के अपने आप को मेंटेन रखता है, अपनी जो फॉर्म है उसको मेंटेन रखता है. ओके डियर, तो ये तीन ऑप्शन सही है, तो 50 का आंसर आ जाएगा फर्स्ट. नेक्स्ट बात करते हैं 51 के लिए. सीवेज कंटेनिंग ऑर्गेनिक वेस्टेज शुड नॉट बी डिस्पोज इन वाटर बॉडीज बिकॉज ऑफ, मतलब इनको क्यों पानी में डायरेक्टली आप मिलाओ, क्यों नहीं मिलाना चाहिए, इससे क्या दिक्कत आती है. आप जो ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं, इसमें ये लिखा है कि जो जैव अपशिष्ट जो अपने जो उनको क्यों नहीं मिलाना चाहिए, है ना, उनका निपटन अपन जलाशय वगैरह में क्यों नहीं फेंकना चाहिए, वैसे नहीं फेंकना चाहिए उनको, उससे दिक्कत क्या आती है. अभी थोड़ी देर बाद पहले बात की थी कि जो ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं उनको बैक्टीरिया जब डिकम्पोज करते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए होती है उनको, तो उससे ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है.
तो क्योंकि उन बायो बैक्टीरियाज को चाहिए होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, और ये एक्वेटिक लाइफ के लिए नुकसान देती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, इधर आ जा रहा है भाई। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं 52 क्वेश्चन के लिए। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोकेमिकल स्मोग इज रॉन्ग। वापस वही जो अच्छे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, मेनली क्वेश्चन यहीं से बना करता है। तो कौन सा फोटोकेमिकल के लिए सही नहीं है या रॉन्ग है, गलत है? तो फोटो इट हैज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल ये हैज ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है और ऑक्सीडाइज करता भी है, ठीक है ये तो सही स्टेटमेंट है। इट हैज लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें हाई कंसेंट्रेशन होते हैं, अच्छे खासी ऑक्सीडाइज करने की नेचर होती है, तो इस वजह से ये गलत होता है स्टेटमेंट। और वैसे भी दोनों स्टेटमेंट्स को एक सही होना था, इन दोनों स्टेटमेंट्स से पता चल रहा है बिल्कुल, मतलब रिवर्स स्टेटमेंट, दोनों में से कोई एक सही होगा, तो सेकेंड आंसर आ जाएगा क्योंकि वो गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 52 में बात करते हैं, द गैसेस एनवॉल्व अराउंड द अर्थ इज नॉन एज एटमोसफेयर, बिल्कुल सही बात है। द लोवेस्ट लेयर ऑफ दिस एक्सट्रीम अप टू 10 किलोमीटर, द सी लेवल से जो 10 किलोमीटर तक जो होती है, अपन इसको बोलते हैं छो मंडल है ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद में आता है स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पर ओजोन लेयर होती है। अपने पोर्स में दो तरह के जो पॉल्यूशन बता रखे हैं, एक मेनली ट्रोपोस्फेयर में है जो पोल्यूशन अपने को सीखना है, और उस ट्रोपोस्फेयर में जो पोल्यूशन है वो मेनली या तो सोयल पोल्यूशन या फिर वाटर पोल्यूशन या फिर एयर पोल्यूशन, मिट्टी मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को अपन ने डील किया है। ओके डियर, चलो उसके बाद बात करते हैं अपन लोग 53 क्वेश्चन नंबर। डाई नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, बिल्कुल सही बात है, लगभग 80% नाइट्रोजन और ऑलमोस्ट उसमें बची मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट ऑक्सीजन का ही है, तो फिर वो आपस में रिएक्शन क्यों नहीं कर रही क्वेश्चन, बट दीज डू नॉट रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब एनओ डायरेक्टली क्यों नहीं बन रही, मतलब ये ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है भगवान ने नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों बनाई है तो वहीं रिएक्शन करके जो एनओ या एनओ टू क्यों नहीं बन रही। तो बेसिकली एन टू में ट्रिपल बॉन्ड होता है और वो तोड़ने में बहुत एनर्जी लगती है, हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसमें शोषी अभिक्रिया उच्च ताप पर होती है, लगभग 1400-1500 डिग्री सेल्सियस पर जाकर रिएक्शन करवानी पड़ती है, तो इतने हाई टेम्परेचर में रिएक्शन होती है, वो नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं हो सकती है ना, और हो जाती है क्या होता, खत्म हो जाता है यार सब कुछ, अब ऑक्सीजन ही नहीं होती नेचर में, ऑक्सीजन नहीं होती तो मतलब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, वैसे भी आप सोचो कि एन टू यदि ओ टू के साथ रिएक्शन कर भी लेती तो एन टू यदि ओ टू के साथ रिएक्शन करती तो एन टू ज़्यादा है भाई साहब, और ओ टू लिमिटिंग रिएजेंट का काम करता है तो ऑक्सीजन खत्म ही हो जाता है वहाँ पर। ओके डियर, तो ऑक्सीजन कंप्लीटली खत्म हो जाता है वहाँ पर। ओके डियर, तो देखते हैं ऑप्शन द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, बिल्कुल सही बात है, उसमें सोसी है उसमें लेती है, रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, उसमें अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए इसलिए नहीं हो पाती, अदरवाइज हो जाती कोई दिक्कत नहीं है। ओके डियर, चलो वैसे कंबस्टन रिएक्शन जो होती है वो सारी ऑलमोस्ट एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन इस नाइट्रोजन को छोड़ के, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में बहुत एनर्जी लगती है। ओके डियर, नेक्स्ट बात करते हैं द पॉल्यूटेंट विच कम डायरेक्टली, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, एयर फ्रॉम द सोर्स ऑफ कॉल्ड प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आर समटाइम्स कन्वर्टेड टू सेकेंडरी पॉल्यूटेंट विच आर फॉलोइंग, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हिंदी में बताते हैं कि कुछ ऐसे प्रदूषक होते हैं पॉल्यूटेंट होते हैं डायरेक्टली नेचर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे जो एग्जॉस्ट है धुआं जो निकलता है व्हीकल से, तो डायरेक्टली आपके एनवायरमेंट में आ रहा है, आपको पॉल्यूट कर रहा है, ऑर्गेनिक वेस्टेज आपने टिका दिए मतलब बड़े रिसोर्स में रिजर्वर वगैरह में, तो डायरेक्ट पॉल्यूटेंट है, आपने पेस्टिसाइड काम में लिए, पेस्टिसाइड आपने काम में लिए, तो डायरेक्ट पॉल्यूटेंट काम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने जो भी पोल्यूटेंट मिला वो फिर एक नया पोल्यूटेंट क्रिएट कर रहा है, एक नया पोल्यूशन करने वाला कारक क्रिएट कर रहा है, प्रदूषक क्रिएट कर रहा है, तो उस पोल्यूटेंट से एक नया पोल्यूटेंट जो क्रिएट हुआ, जो नया पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी। तो ये बहुत अच्छे फोटोकेमिकल बता रखा है। बात करते हैं सीओ एग्जॉस्ट से सीधा बनता है, तो ये आंसर नहीं है, ये डायरेक्ट ही है, हाइड्रोकार्बन अनबर्न्ड कार्बन सीधा बनता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हाँ पी ए एन परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो होता है PAN, ये एक्चुअली जो फोटोकेमिकल स्मोग होता है जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है उससे ये फॉर्म होता है जो कैंसर जेनरेट होता है, जो कैंसर प्रोड्यूस करता है, तो ये सेकेंडरी, एक्चुअली पहले हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं उनसे फिर ये आगे प्रोड्यूस होता है। ओके डियर, केमिकल रिएक्शन होने के बाद, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा सेकेंडरी में, जबकि एनो डायरेक्ट क्रिएट होता है जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है वहाँ से, या एग्जॉस्ट में भी निकलता है ये डायरेक्ट एनो, प्राइमरी पॉलीमर डायरेक्ट ही नेचर में आ जाता है, आगे फिर ये आगे जाके सेकेंडरी को क्रिएट करने का काम करता है जब फोटोकेमिकल स्मोक में कन्वर्ट होता है। ओके डियर, चलो तो 55 में आंसर हो जाएगा थर्ड।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं 56 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब पूछा है कौन सी सही स्टेटमेंट है, तो बात करते हैं सही स्टेटमेंट, कौन सा सही कथन है। तो ओजोन होल इज अ होल फॉर्मड इन स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम विच ओजोन ओज इज आउट। ये बोल रहा है कि ओजोन मतलब जो होल बनता है तो वो स्ट्रेटोस्फेयर बनता है, ये अपने को पता है कि वो मतलब समताप मंडल बनता है, लेकिन वहां से ओजोन बाहर जाती है, चर्चा करते हैं, बाहर नहीं जाती एक्चुअली, वहां से ओजोन डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बराबर चर्चा करते हैं। ओजोन होल इज फॉर्मड इन ट्रोपोस्फेयर, ये तो गलत हो गया वैसे भी। ओजोन होल इज थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर एट सम प्लेसेस, बिल्कुल सही लग रहा है ये। जो समताप मंडल होता है, जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, वहां पर ओजोन लेयर थोड़ी थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, क्योंकि वहां पर CFC आती है, कुछ ओजोन पार्टिकल्स को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने काम कर देती है, और खुद जो एक रेडिकल क्लोरीन होता है वो उसी फॉर्म बना देता है। इवन एक रेडिकल क्लोरीन बहुत सारे ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब इवन इतना एबल होता है कि एक बहुत मतलब बहुत ज़्यादा थिन कर दे इस लेयर को, बहुत ज़्यादा पतला करने की कैपेबिलिटी एक क्लोरीन रेडिकल रखता है। तो CFC बहुत नुकसानदायक है मेरे हिसाब से। इसको ये चैप्टर का पर्पज यही है कि आप समझो इस चीज़ को यार, नेचर में आप कितना नुकसान पहुंचा रहे हो, पॉल्यूशन कर रहे हो, और आज आप लोग ही नुकसान पहुंचा रहे हो, आने वाली पीढ़ियां इसको भुगतेगी। ओके डियर, नेक्स्ट बात करते हैं। ओजोन हिज मीन्स वेन इज ओजोन लेयर अराउंड द अर्थ कम्प्लीटली, नहीं समाप्त पूरा नहीं हो रहा, वो थिन धीरे धीरे पतली होती जा रही है, इससे यूवी रेज एंटर कर रही है, तो थर्ड आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं 57 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स विल नॉट कम अंडर द ग्रीन हाउस केमिस्ट्री। देखो ग्रीन हाउस केमिस्ट्री का मतलब ये है कि अपन जो भी ये पॉल्यूशन कर रहे हैं इसको कैसे मिनिमाइज करें, 10 to 0 चलें, तो क्या क्या करें इस तरह से उससे पॉल्यूशन कम हो सके, क्या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे पॉल्यूशन कम हो, ये ग्रीन हाउस केमिस्ट्री। लेकिन ये बोल रहा है कहाँ ग्रीन हाउस केमिस्ट्री नहीं लग रही, तो बात करते हैं। इफ पॉसिबल मेकिंग यूज ऑफ सोप मेड ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, बिल्कुल सही बात है। आपको पता तो आज भी हमारे घर में या जो घरों में देखा जाता है कि घर में जो वेजिटेबल ऑयल है उससे सोप बनती है, और बड़ी नेचुरल सोप होती है, लेकिन जो हाई ग्रेड जो डिटर्जेंट वगैरह होते हैं वो नेचर को बहुत नुकसान देते हैं एक्चुअली, वो पानी को ख़राब करते हैं, और भी जिस मिट्टी में वो जाते हैं। इवन मैंने इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप देखोगे, उस डिटर्जेंट का पानी यदि आप किसी पेड़ पौधे में देते हो तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं, पानी दे रहे हो लेकिन वो इतना पॉल्यूटेड है पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं उन डिटर्जेंट का जो पानी होता है, इतना मतलब सोचो पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूजिंग H2O2 ब्लीचिंग, सही बात है। जो ब्लीचिंग एजेंट होते हैं H2O2 सबसे बेस्ट ब्लीचिंग एजेंट शो करता है, कारण क्या है, ये नेचर को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। H2O2 जैसे डिकम्पोज होगा टूटा गया तो H2O ही देगा या O2 देगा, तो किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो ये अच्छी बात है कि आप ब्लीचिंग एजेंट जो भी काम में ले रहे हो तो ऐसे क्लोरीन वाले काम में लेने की बजाय आप H2O2 काम में लो, और ये बहुत बड़ा चेंज है, रिवोल्यूशनरी चेंज है यदि अपन पॉल्यूशन कम करना चाहें तो। ओके डियर, नेक्स्ट बात करते हैं, यूजिंग बाइसाइकिल फॉर ट्रेवलिंग, बिल्कुल सही बात है। आप साइकिल काम मिलो ना, जहाँ पेट्रोल डीजल आप जो एग्जॉस्ट निकलता है धुआं निकलता है, तो उसके बजाय साइकिल काम मिलो ना यार, कोई इज्जत नहीं जाती साइकिल काम में लेते हो तो, बिल्कुल हेल्थी है, सही है ना। और इवन स्टूडेंट लाइफ में तो मानता हूँ कि आपके पास साइकिल होनी ही चाहिए यदि आप आराम से हेल्थी भी रहोगे इस चीज़ को लेके, लेकिन अब तो क्या है बाइक्स का क्रेज आ रहा है, सब लोग उस पर घूम रहे हैं, तो उस वजह से नुकसान क्या है, वही धुएं का एग्जॉस्ट निकलेगा, नुकसान होगा। तो एज सून एज मतलब जितना पॉसिबल हो सके आप इन्हीं व्हीकल्स में साइकिल वगैरह काम में लो। और एक्चुअली हम लोग के टाइम में तो हम लोग तो 10-11 किलोमीटर कोचिंग दूर थी तो हम साइकिल से ही जाते थे, और बहुत सही रहता था। अब थोड़ा वो बाइक गाड़ी कार वगैरह सब चलो कोई ना, तो सही तरीका तो ये साइकिल वगैरह काम में धुआं नहीं होगा। यूजिंग प्लास्टिक कैंस, ना 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 प्लास्टिक काम में नहीं लेने का, क्योंकि प्लास्टिक काम में लोगे तो प्लास्टिक क्या करेगा, नुकसान करेगा नेचर को, चाहे किसी भी तरह का पॉल्यूशन करता हो वो हर तरह से पॉल्यूट करता है नेचर को, तो प्लास्टिक काम में नहीं लेने का, तो ग्रीन केमिस्ट्री में नहीं है वो। ओके डियर, चलो नेक्स्ट बात करते हैं 57 क्वेश्चन का, 58 सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शोज द पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, किससे ही पता चल रहा है कि पॉल्यूशन है एक्चुअली। यदि रेन की पीएच 5.6 है कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, ये एसिडिक नहीं है, इससे कम होगी तो एसिडिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है नेचुरली 0.03% 0.04% नेचर में इतना होता है CO2, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा उससे। नेक्स्ट बात करते हैं BOD की वैल्यू 10 ppm, नहीं BOD 10 ppm नहीं रखने का, क्योंकि BOD 10 मतलब 5 से ऊपर जाते ही पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, पॉल्यूटेड वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो 17 पे तो बोल दिया था हाईली पॉल्यूटेड है भाई साहब, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, तो 5 से कम था तो ठीक था, लेकिन 5 से ज़्यादा था पॉल्यूशन 10 तो अच्छी खासी वैल्यू है, तो इसका मतलब पॉल्यूटेड वाटर को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं
प्रिस्क्राइब्ड अपर लिमिट ऑफ, हाँ लेड कितना अधिक से अधिक हो सकता है, हालांकि लेड टॉक्सिक नेचर का होता है, एक हद तक ही होना चाहिए, लेड उससे ज़्यादा होता है बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा जहरीला नेचर का होता है। तो हालांकि मुझे इस तरह से याद रहता है कि ये PPM में नहीं, PPB में होता है, 50 PPB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेचर का होता है, तो 50 PPB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके डियर, 59 में आंसर हो जाएगा। सेकेंड, नेक्स्ट लास्ट 60 क्वेश्चन, द एसिड एब्सेंट इन एसिडिक रेन, ये पूछा है कौन एब्सेंट है, कौन सा एसिड एब्सेंट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एसिडिक रेन में कौन कौन प्रेजेंट होता है, एनसीईआरटी बहुत प्यार से लिखा हुआ है, CO2 की वजह से H2CO3 बनता है, NO2 की वजह से HNO3 बनता है, SO2 की वजह से SO2 SO3 में कन्वर्ट होता है जिससे H2SO4 बनता है, और फाइनली ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, तो PAN इसमें प्रेजेंट नहीं होता, तो आंसर विल बी फर्स्ट, 60 में आंसर आ जाएगा फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ आपके सबके पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, तो थैंक यू सो मच, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।